अब सबसे पहले अब हम जनरल बात करेंगे, जनरल बात करेंगे कि अब आप बीइंग अ लेडी काउंसलर, अभी आपने पता अपने अफवाह भी किए थे। अच्छा जी, अब हम अपने जहनों से एक एक पेपर निकाल लें, एक एक पेपर निकालें अपनी कॉपियों से, ठीक है? नहीं नहीं अच्छा वो है कोई और डायरी? हाँ डायरी जो है कैसे अच्छा। अब आपके चलिए निकाल लिया। अच्छा, लोकल लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां, पहले तो हमने पास है ना, ठीक है? अब केवल उन्होंने यही वाले काम करने हैं, ठीक है? एक हिसाब का ओवर थ्रू गो थ्रू तो आपका दुनिया कानून में क्या है। अब आप थोड़ा सा ना जिम्मेदारियां के, लोकल गवर्नमेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां, हर कोई अपने अपने तीन तीन पॉइंट लिख दे इस पे, जो भी जहन में आता है लिख दे। मुकामी हुकूमत क्या, हाँ उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कुछ भी देखे जो मुकामी हुकूमत का हिस्सा है, ठीक है? वो हाँ, मुकामी हुकूमत की जिम्मेदारियां क्या, अगर किसी के जहन में भी यूसी लेवल की आती है तो वो यूसी लेवल की लिख दे, जिसको मतलब उसे अपर टीयर की कोई जहन में आता है कि जी ये होना चाहिए तो वो लिख दे। ये आप पे डिपेंड करता है। आप मुकामी हुकूमत का हिस्सा है, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? देखो मैं सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, फर्ज किया। मैं सिविल सोसाइटी का जिसको कहते हैं सामाजिक कारकुन, मैं सामाजिक कारकुन हूँ ना, तो मुझे ओवरऑल चले नौकरी प्रोजेक्ट्स वाले एक अलग बात है, लेकिन जब मैं अपने आप को सामाजिक कारकुन कहूंगी तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि बतौर सामाजिक कारकुन मेरी क्या जिम्मेदारी है। इसी तरह आप मुकामी हुकूमत है, मुकामी हुकूमत का हिस्सा है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो उसमें हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, नुमाइंदा होने की हैसियत से लोकल गवर्नमेंट का। अब अपने आप को चाहे आप चेयरमैन बना लें, चाहे मेयर बना लें, चाहे काउंसलर बना लें, चाहे अपने आप को मिनोरिटी बना लें, चाहे खवातीन की सीट पे आ जाए, लेकिन नुमाइंदगान की हैसियत से आपने क्या करना है? बस तीन तीन पॉइंट। हो गया जी हाँ जी, हो गया। अब हमने पता है वो जो हमने फंक्शन जो पढ़े थे वो कोई जेल में रखे, वो जो हमने फंक्शन या डिसीजन थे कुछ पढ़ लिया है, म्यूनिसिपल सर्विसेज के हवाले से भी और उसके अलावा भी, ठीक है ना? क्योंकि अब देखिए ये हुकूमत की बात है, एक इलाका है जो एडिक्शन है, मुकामी सतह पे हुकूमत है और हुकूमती नुमाइंदगान क्या क्या करते हैं वो सारा। वैसे आज मुझे इतना मजा आ रहा है ना, मैं कह रही हूँ कि वो जो इलेक्शन वैसे बिस्मिल्लाह कह रही थी ना, मैं कहती कल ही हो जाए तो हम भी उसका हिसाब है। अच्छा हो गया जी। जी
हाँ वो सही है, जो आपके जहन में आता है सादा अल्फाज में बस उसको लिख दें, जरूरी नहीं है। ये तो जस्ट देखिए ना, एक एक्सरसाइज है, मेंटली एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है। हो गया जी, आई थिंक हो गया। चलें जी, सबसे पहले नरगिस आप अपना पॉइंट पढ़ के सुनाएं स्ट्रीट लाइट्स जी। जो अपने मुकामी लोगों के गलियों में जो स्ट्रीट लाइट्स लाजमी लगवानी पड़ती है, अच्छा आप कहती थाना हैं कचहरी के काम। लोकल गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है, ये हमारा थाना बहुत कचहरी ज्यादा वाला कल्चर जो है ना, ये हमारा इसको। लड़ाई झगड़े ये वो अच्छा बहुत आपने कहा जी स्ट्रीट लाइट, जी स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, थाना कचहरी डिवोर्स वगैरह का जो मसले होते हैं, महिलाओं की जिम्मेदारी। अच्छा और डिवोर्स को मतलब अच्छा बड़े खतरनाक मसाइल का आपने हल है हमारी सोशल मीडिया के निकाल अंदर। बिल्कुल एक हाँ नहीं, डिवोर्स का क्या, डिवोर्स जो डाइवोर्स कचहरी केस, लगते हैं वहां से भी डाइवोर्स नहीं केसेस पार्टी की होते हैं जो है मिसाती हमारे भारत पंचायती सिस्टम, मसालती कमेटी। जिसमें दोनों चीजें आ जाती है ना, डिवोर्स और भी लोग और बच्चों के जो निकालना बर्थ भी। सर्टिफिकेट होते हैं, आईडी कार्ड्स हैं आईडी और कार्ड नहीं डेथ है, सर्टिफिकेट है। सिविल रजिस्ट्रेशन, गाड़ी हाँ गाड़ी जी मंगवा दो। सिविल रजिस्ट्रेशन हाँ मुकामी यूनियन यूनियन काउंसिल की सतह में। जी एक खतरा विद्यार्थी है क्या ना, उन्होंने बता दिए, चले ये आपके हो गए। अच्छा जी अभी मैं सभा सभा आप बता दें। एक खतरा इसके लिए आता है मुकामी हुकूमतों के अच्छा लिए अब ये जो हमने लिख कि लिया ना, ये ना बने, अगर किसी ने लिखा ना तो वो ये नहीं बोलेंगे, ठीक ओके है। महद से लहद तक सिलसिला चलता है यूनियन काउंसिल का, अच्छा बर्थ से लेकर डेथ वो तक हो गया ना, वो हो गया। इसके साथ सबसे पहले तो ये है कि वो जब काउंसिल बन गई, यूनियन काउंसिल बन गई, उसके बाद हाँ इख्तियारात और बजट साजी क्या होगी तखमीना हाँ बजट, बजट की जाता। बजट मंजूरी, मैंने हाँ भी जी लिखा है, ठीक है। बजट की और मंजूरी, इसके अलावा अब बजट की डेवलपमेंट मंजूरी प्लान, पॉइंट आ गया, और डेवलपमेंट प्लान हाँ तरक्याती प्लान, देखो ना ये ध्यान रखना, तरक्याती मैंने लिखा हुआ, मैंने भी लिखा है प्लान, ठीक है आगे जी। हाँ जी स्पोर्ट्स को फ्रॉग भी लिखा है। स्पोर्ट्स, जबरदस्त, स्पोर्ट्स को फ्रॉग देना। हेल्थ एजुकेशन अच्छा वो ग्रुप्स की तरफ से सॉरी मैडम बिस्मिल्लाह जी, और वेस्ट कोई नहीं बता पाते, वेस्ट एक मैनेजमेंट मिनट मैं कैसा, चुप उनको ले लेती हूँ। आवाम की राय सॉरी पर, जी, आवाम की राय, आवामी अवामी राय शमूलियत, अवामी शमूलियत, कौन अवामी शमूलियत, मकामी हुकूमत सी में अवामी होती शमूलियत की टू इंश्योर करना, यकीन है, उनकी पार्टिसिपेशन गरीब को यकीन कराना। जी जी बच्चों का आगे बात, इसका मतलब है आपने वो फंगे सारे या तो समझ आ गया नहीं नहीं समझ आ गई, इतना ये तो पढ़ो इतनी जी, आपने होप दिलवाई, हम समझ रहे थे कि इलेक्शन हो रहे हैं और गरीब हमें अब बच्चों की पार्टिसिपेट तालीम करना के है। बिल्कुल। अब देखे आप ये समझे हैं कि ये जो जनरल इलेक्शन था ना, समझे कि हमारे इलेक्शन होने वाले हैं और हमने इसमें पार्टिसिपेट करना इसलिए है। हमने जल्दी जल्दी समझ अच्छा लिया, गरीब जी बच्चों को तालीम के लिए वो वो तालीमी कमाया, निजाम तालीम उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, हाँ जी उसके पास चेक एंड अच्छे बैलेंस ये वो सारा हम देंगे। साथ हाँ जी जी रिजाना सोशल वेलफेयर वर्क जितने भी हैं समझ कम्युनिटी गई, के लिहाज से सारे, उसमें कैंपेन्स तो सोशल चलें या समझ उनकी गई, अवेयरनेस कैंपेन्स या कोई भी हाँ सा सोशल कोई सा वेलफेयर वर्क हो गया। अवेयरनेस और कोई इन पॉइंट्स के अलावा नया को पॉइंट ऐड करना जी फरजाना। आजकल जैसे माहौल या की आलूगी है उसके माहौल कंट्रोल आती है आलूगी, कैसे हाँ जी करना, आप बिल्कुल देखें उसके लिए आपके उसके मुस्लिम लिए के पढ़ी है उसको कंट्रोल करवाना करना लेकिन उनकी जिम्मेदारी है। माहौलियाती आलूगी की आपके आलूगी वो सफाई में ये चीज आ ये जाती वेस्ट है ना, मैनेजमेंट आ जाएगा इसमें, वेस्ट मैनेजमेंट आ गया, ये माहौलियाती नहीं अलग साफ पानी ठीक है। फिर लेकिन वाटर आई सैनिटेशन वाटर फिल्टर सैनिटेशन ये सारी चीजें कि प्लांट ये सफाई पानी की, साफ पानी की अच्छा प्राइमरी की सफाई, अब ये इन सारी चीजों के लिए ना उन्होंने रोल प्ले करने हैं, इन चीजों को इंश्योर करना है। एक और चीज, ये तो मसाइल तो हाँ आ गया सारे, और अगर किसी इदारे में लगाई औरतों के कैसे हकूक को पामाल किया जा रहा है तो उसके लिए भी इम्प्लीमेंट करना, वो भी मसला आ गया ना। अच्छा अब ये देखें सोशल कि जो रोल है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ गया ना, कि इन मसाइल मतलब इनकी मसाइल के ये वर्किंग क्या नाम है, इस इन चीजों के जो मसाइल हैं, इन इदारों के मसाइल जो हैं, इनको हल करने के लिए जो खिदमात फराहम करने, जैसे माहौलियाती आलूदगी एक मसला है ठीक है, अब उसे कंट्रोल कैसे करना है उसके लिए ये आप काम करेंगे। जैसे अवामी शमूलियत है तो अपनी जितने भी हमारे हुकूमती अमूर होंगे उसमें अवामी शमूलियत
कोई यकीनी बना। अब वो किस तरह से वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बजट की मंजूरी, ठीक है, बजट की मंजूरी ये करेंगे, किस तरह करेंगे और बजट साज में इनका क्या किरदार होगा, ठीक है, वो सारी चीजें, तरक्याती प्लान इन्होंने तैयार करने होते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ। सोशल वेलफेयर के काम जो है, अब क्या नाम है, सोशल वेलफेयर के काम जो है ये देखेंगे करेंगे, और जिन लोगों को समाजी सहूलियात पहुंचाने की इनकी जिम्मेदारी है वो अपनी वो पूरी करेंगे, ठीक हो गया। अब इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए सेम इसी तरह से, अब देखिए जो ये जो लोकल गवर्नमेंट नुमाइंदगान है ना, अब देखिए ये लेकर वोट अपनी कम्युनिटी का है, हम इधर एक कम्युनिटी है, हमने बिस्मिल्लाह को अपनी चेयरमैन बनाया, ठीक है, चेयरमैन बनी है इनको, हमने अपनी चेयरमैन इलेक्ट की है, हमने इनको वोट दिया है, ये हम में से है, क्यों दिया है, ताकि ये हमें मसाइल का हल आगे मुकाम इबादत तक पहुंचा पहुंचाए और सके। उन्हें क्योंकि अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो दो स्टेप वाले हैं, तहलीजों पे, मुकामी हुकूमत जो है ना, इसका जिसको कहते हैं ना, इसकी खूबसूरती, ये क्यों अहम है, वो इस वजह से कि हम लोकली सतह के जो मसाइल है, मुकामी सतह के मसाइल, मुकामी सतह पे वो मसाइल है ना, घर की लड़ाई घर में रहनी चाहिए बाहर नहीं, तो चलो वो तो लड़ाई है कि जरा नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, मिसाल के लिए कि मुकामी जितने भी हमारे मसाइल हैं वो हमारे मुकामी सतह पे हल होने चाहिए। अच्छा अब ये क्या होता है कि जब फिर हमने ये भी पढ़ा है, पहले पढ़ा है कि जी जब वो नुमाइंदे बिस्मिल्लाह हमारी चेयरपर्सन हमने इनको ये हमारी इलेक्ट हो गई है, अब ये चेयरपर्सन इन्होंने बतौर मुकामी हुकूमती नुमाइंदा इन्होंने परफॉर्म करना है, अब ये परफॉर्म कैसे करेंगी, इनके पास क्या होना जरूरी है, इख्तियारात, इनके पास इख्तियारात होंगे, कौन कौन से इख्तियारात, इंतजामी, सियासी, माली, ठीक है, ये तमाम इख्तियार जो है इनके पास होंगे तो ये परफॉर्म करेगी, और इसके साथ साथ इनके पास एक और चीज भी होनी चाहिए, हमने इख्तियार की मुंतकली के बाद एक दूसरा भी पढ़ा था, सोचो इंस्टीट्यूशन से ये कैसे करवाएं काम, नहीं जाए कौन सा जो बनाया लॉ डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंस मेकिंग, इनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि इख्तियारात का इस्तेमाल इन्होंने कैसे करना, ये खुद फैसला कर सके कि मैंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करना है, ठीक हो गया। अच्छा अब वो इख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से अब ये क्या करेंगे कि लोकली सतह के ऊपर अब ये जो मेजर काम जो है ना, मेजर काम प्लानिंग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले अब मकसद ये है, क्योंकि देखें अब अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो इनका हल्का है, ठीक है ना, अब वो इन जिस यूनियन काउंसिल की ये चेयरपर्सन मुंतखब हुई है, ठीक है, अब इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने उस इलाके की बेहतरी के लिए काम करना है, अब वो बेहतरी किसी भी मद में हो सकती है, मैडम बताएं, अब आप चेयरपर्सन है, आप सबसे पहले क्या स्टैंड लेंगी अपने यूनियन काउंसिल के लिए, अपने हल्के के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं किस चेयर पे मुंतखब हुई हूँ, मुझे उन तमाम रूल्स और फंक्शंस को देखना बिल्कुल, उसके मुताबिक, हाँ जी, उसके बाद जो मसाइल की निशानदेही होगी और जो मेम्बरान की तरफ से उनके हल के लिए तजावीज आएंगी उसके मुताबिक फंक्शंस को भी देखेंगे और बजट पे भी। अच्छा हम कुछ चीजों को ना साथ साथ डिस्कस करते हैं, बेशक हमारी उधर वो 1, 2, 3 पे है ना, हम थोड़ा सा चीजों को साथ लेते हैं, जैसे अभी उन्होंने कहा मेम्बरान को। अच्छा अब होता क्या है कि अभी हमारा जो पहला जो मेन इसका फोकस है ना, तरक्याती मंसूबे, ठीक है, या जिसे आप तरक्याती डेवलपमेंट प्लान भी कहते हैं। अच्छा सबसे पहले ये फोकस हमारे ये होते हैं, अब देखिए इलाके की बेहतरी के लिए काम करना है, इलाके की बेहतरी कैसे होगी, अगर वहां पे देखा जाएगा कि पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं है, गलियों के हमारे टूटी फूटी है, सैनिटेशन का कोई इंतजाम नहीं, कोई ड्रेन सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट जैसे इन्होंने बोला, यही मसाइल है ना, ये सारे मसाइल है हमारे, ठीक है, ये वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज है, अब इन तमाम म्यूनिसिपल सर्विस, ये सारी क्या है, म्यूनिसिपल इश्यूज है, सबसे पहले अभी हम इश्यूज पे रहते हैं, अब इन म्यूनिसिपल जो हमारे म्यूनिसिपल कंसर्न जो मसाइल है उनको हल करने के लिए खिदमात की फरहमी, ठीक है, और खिदमात की फरहमी के लिए क्या है अदारे, ये हुकूमत तो बन गई, अब हुकूमत चलाने, हुकूमत की
हुकूमत ने काम करना है, उसने चलना है, उसकी सपोर्ट के लिए कौन से हैं इंतजामी अदारे, इंतजामी अमूर भी तो उन्हें दिए गए ना। जब इंतजामी अमूर दिए गए तो इसका मतलब है इंतजाम करने वाले मुतलका जो मुतलका अदारे हैं, तो जिन जिन अमूर पे उन्होंने काम करना है उन कामों से मुतलका अदारे पर भी उनको इख्तियार दिए गए। वो अदारे भी उनको दिए गए कि जिनसे आपने काम लेना है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट है, जी ठीक है, वाटर सैनिटेशन का है, जली सतह पर वो जो हमारी ट्रैफिक मैनेजमेंट का इंतजाम आना है, तालीमी और हेल्थ के हवाले से, सोशल वेलफेयर का। अच्छा अब जनाब हमने लोकल सतह पर सबसे पहले क्या करना है, पानी पीने का, पानी का मसला है, ठीक है, गलियों नालियों का मसला है सबसे पहले, फिर हम क्या करेंगे उसके लिए अपने मनसूबे तैयार करें, मनसूबा बनाएं कि अब हम ये मसले को कैसे हल करें। उसके लिए जी हाँ जी हमारा पानी की सप्लाई का मसला है, तो उसके लिए हम अपना प्लान प्रॉपर एक जो है ना प्रोजेक्ट तैयार करें, प्लान बनाएंगे, प्लान बनाएंगे कि जी हमारी यूनियन काउंसिल बिस्मिल्लाह किया 97। अब 97 यूसी जो है ना, 97 यूसी, यहाँ पर पीने का साफ पानी पहुंचाया जाए, या जनाब इसकी गलियां टूटी हुई हैं तो गलियां बनाई जाए, ठीक है। अब ये प्लान करना है, अब उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, बल्कि इससे भी पहले ये अपनी जो है ना काउंसिल का भी इजलास इजलास बुलाएंगे, होगा कल। ठीक है। इसके साथ साथ वो इजलास में भी कुछ चीजें आएंगी, इसके साथ साथ जो आपकी यूनियन बजट काउंसिल की जो भी लोग है ना, ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि अवामी शमूलियत, अभी आपने लिखवाया अवामी शमूलियत, तो अपने वो असल में मुकामी हुकूमत जो है ना, ये है, इसका मकसद ये है कि अवाम की जिसमें ज्यादा से ज्यादा शमूलियत होती है, और अवाम की मुशावरत के साथ जो है ना ये तरक्याती प्लान जो ये तय होते हैं। इलाके के लोगों को इकट्ठा कर लिया, मुशावरती इजलास कर लिया, ठीक है। अब उनसे पूछा कि भाई हमारे कौन कौन से मसले हैं इलाकों में, हम कैसे बेहतरी लाएं। कोई कहेगा जी स्ट्रीट लाइट लगवा दें, कोई कहेगा जी गलियां हमारे मसला है, फिर वो तरजीहाती बुनियादों पर देखा जाएगा जी सबसे ज्यादा जो इशू फॉल कर रहा है ना, जिससे हमारी कम्युनिटी ज्यादा मुतासर हो रही है, पहले तो हम उस पर काम करें, उसको फोकस करें, जी ठीक हो गया। सपोज पीने के लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, उसकी वजह क्या कि पीने का साफ पानी में असर नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा अगर यह देखा गया जी हमारे क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, वो क्राइम्स बहुत गलियों में मसले, कोई डाकू आ रहे हैं, कुछ छीन के लेके जा रहे चीजें, तो इसका मतलब क्राइम बढ़ने की एक वजह गली में स्ट्रीट लाइट ना होना, फिर इनको फोकस, तो वो तरजीहाती बुनियादों पे क्या करेंगे, पहले हम उन चीजों को तरजीहात का संयम करेंगे, ठीक है, उन मसाइल को फोकस करेंगे, फिर उस पे बैठ के ये जो लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदगान है ये अपनी क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तरक्याती प्लान बनाएंगे, ठीक है, उस पे बजट जो है तरक्याती प्लान बन गया जी, यूसी 97 के समझ रहे जी, उसमें 500 घर हैं, 500 घर में वहां पीने का साफ पानी नहीं है, इतनी उसकी गलियां, ये उसका रकबा है, ये सारा कुछ, तो यहाँ पर साफ पानी प्रोवाइड करना है, वो लाइनें बिछाई जाएंगी पानी की, ठीक है। अब उस पे जो कास्ट आनी है उस पे वो बजट होगा, कितने लोग होंगे, टाइम ड्यूरेशन, वो सारा कुछ उस पे प्लान होगा, ठीक है, कितनी कास्ट आएगी, उसका कितना बजट होगा। अच्छा और सिंपली कि ये तरक्याती तो बनाएंगे और उस पर क्या करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा वो बन गया, वो प्रूव हो गया, उसका बजट शेडेट सारा, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें, सबसे पहले इनका मेन कामों में से ये काम है कि उन्होंने डेवलपमेंट जो क्या नाम है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, प्लानिंग करना, और जो प्लान जिन चीजों का वो प्लान करेंगे उनपे इम्प्लीमेंटेशन करवाना, और फिर पता है जब ये प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका एक टाइम ड्यूरेशन होती है, फिर उन्होंने इंश्योर करना है कि जो टाइम फ्रेम हमने उसके लिए तय किया, ये महीना छह, ये प्रोजेक्ट 6 महीनों में पूरा होगा, तो वो 6 महीनों में ही वो पूरा होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ वो ये भी देखेंगे कि जितना सपोज हमने 10 लाख का बजट वहां पे रखा है, ठीक है, 10 लाख का बजट, उन्होंने कहा जी पीने का साफ पानी मुहैया किया जाएगा और उसके लिए बजट 10 लाख है, फिर इस चीज को भी उन्होंने साथ साथ देखना है। अब हम साथ साथ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी डिस्कस किए जा रहे हैं कि पानी के पीने का साफ पानी मुयसर करने के लिए, फिर उन्होंने जो अगर जो बजट एलोकेशन हुई है, फिर उसको उन्होंने ये भी देखना है कि इस बजट को जिस काम के लिए हमने एलोकेट किया है उसी में वो लगे। उस तरह सही तरह से लग रहा है कि नहीं रहा, लग रहा कि ट्रांसपेरेंसी बिल्डअप करना, ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा फिर उसके बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है कि वो अपने फॉर्मुलेट करेंगे डेवलपमेंट प्लान और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे।
उनपे अमल दरामद करवाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है जी म्यूनिसिपल सर्विस, सर्विस डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी में वो तमाम चीजें आ जाएंगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट, वो जो आप कह रहे थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सैनिटेशन, फिर उसमें म्यूनिसिपल सर्विसेज में जो भी लोग स्ट्रीट लाइट का लगवाना, ये सारी जितने भी म्यूनिसिपल कंसर्न जो सर्विसेज हैं वो सारी उनको वो पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी है। किन की जिम्मेदारी है, किन की की जिम्मेदारी है, बिस्मिल्लाह की। निगरानी अभी हम निगरानी तक नहीं ना आए, अभी वहां आएंगे वहां हम आपका रिपोर्ट ले लेंगे। अभी आप अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निगरानी आपकी बाद में इन्हीं लोगों ने करनी है, ये बात बिस्मिल्लाह हमारे चेयरपर्सन है। बड़ा अच्छा पॉइंट। अच्छा बिस्मिल्लाह, दूसरा काम था सर्विसेज, सर्विसेज की फरामी, ये क्या हो गया। अच्छा सबसे अहम काम ही ये है इस लेवल पे, मुकामी हुकूमत का जो सबसे अहम काम है ना वो ये वाला है, ठीक है, जो हमारे इस वक्त हम होते हैं। अच्छा अब दूसरा गवर्नेंस ओवर ओवरसीइंग, गवर्नेंस। अब गवर्नेंस जो है ना, अब चूंकि गवर्नेंस किसको कहते हैं, गवर्नेंस क्या होती है, गवर्नेंस आगाही क्या होती है, गवर्नेंस किसे कहते हैं। अच्छा आपने कहा देखभाल करने वाली, चलो जी देखभाल भी हो गया, देखभाल। और जो रूल्स को फॉलो करवाती है हाँ? उसी उसी में रूल्स को फॉलो करवाना, फॉलो करना। और जी, हुकूमत, हाँ हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन वही हो गया। इन्होंने कहा जी हुकूमत, आपने कहा है इम्प्लीमेंटेशन, अमल दरामद। नहीं, जो इंतजामात सारे उसको रखते हैं जी उसी अच्छा, को गवर्नेंस की तारीफ क्या होगी। इंतजाम करना किसी भी। अच्छा ऐसा सिस्टम जिसमें जिसको कहते हैं ना पावर, पावर का इस्तेमाल हो, हाँ वो गवर्नेंस कहलाती है, ठीक है, पावर का इस्तेमाल। अब वो पावर का इस्तेमाल कौन करती है, जो मुकाम हुकूमत होती है। अब पावर का जिस यार है वो क्या बिस्मिल्लाह के पास है, क्योंकि वो चेयरपर्सन है। पावर आ गई ना उनके पास, हमने पहले क्या बात की थी कि बिस्मिल्लाह के पास वो अपना रोल कैसे प्ले करेगी जब उनके पास क्या कुछ होगा, इख्तियार होंगे। और दूसरी चीज, हाँ पावर होगी, डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास होगी, पावर होगी। और अगर आपको डिसीजन मेकिंग भूल भी जाए ना तो आप ये करें इख्तियार, इख्तियार इस्तेमाल का इख्तियार, और साथ में पावर, पावर होगी तो ये कर पाएंगे। अच्छा अब ये है कि लोकल जो पंडगान है, इन्होंने साथ साथ गवर्नेंस में इन्होंने क्या करना है कि ओवरसीइंग करना है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि जितने भी हमारे हुकूमती अदारे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके काम पे नजर रखनी है कि वो अपना काम सही प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और ट्रांसपेरेंसी को उन्होंने, शफाफियत जो है उसको उन्होंने मजबूत करना है। और वो मजबूत कैसे होगी, चेक एंड बैलेंस से। अब वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है तो वो जाके वो अब वो कैसे उस अदारे के काम की ओवरसाइट किस तरह से करेंगे, निगरानी कैसे करेंगे, वो अपने इलाके में जाके फिर देखेंगे जी कूड़ा करकट तो वो ऐसे ढेरों के ढेर लगे पड़े हुए हैं, ऐसे ही देखेंगे ना, तो उससे पता होना चलेगा कि हमारा जो जो मुतलका अदारा है वो सही काम नहीं नहीं कर पता। रहा। वो जाके अपने अदारे उस अदारे को पूछेंगे, हाँ जी फलाने इलाके में तो ये इशू पाया जाए तो आप कहाँ है, ये सारी चीजें। अच्छा उसके बाद आ जाता है जी वो जो आपने बात की थी सोशल वेलफेयर वाली, कि अब ये सोशल सोशल वेलफेयर के पर उसमें सोशल जो डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट करेंगे, और जो नीड जो एड्रेस की जाएगी, जो मसाइल जहां पे एड्रेस होंगे, किस ग्रुप के होंगे, वो जो महरूम नजर अंदाज तबका है वो होंगे, और वो कौन कौन से लोग हैं। हाँ जी जोर से बोले ना, इनको आवाज आए। हाँ जी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर भी उसमें आ जाते हैं, ठीक है, इन तमाम के, हाँ जी इन जी इनके डेवलपमेंट के लिए जो है ना वो इनको एम्पावर करने के लिए, डेवलपमेंट में इनको एम्पावर करने के लिए ये कुछ प्लान्स बनाएंगे, कुछ स्कीम्स लेकर आएंगे ताकि इन लोगों को एम्पावर किया जाए
और इनको कौमी दायरे में लाया है, ठीक है। ये जो बिल्कुल ही महरूम और नजरअंदाज अब आप देख रहे हैं, मतलब मैंने तो इस चीज को आप ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अब ट्रांसजेंडर जो है पहले से ज्यादा ही पावर हो गई, अब हमें देखने में नजर आते हैं, बल्कि ये जो हम इलेक्शन ऑब्जर्वेशन के लिए वो जो हमारी लाहौर में सभा रुखसाना साथ थी, हमारी जो टीम वहां पे गई थी, वहां लाहौर से एक ट्रांसजेंडर भी गई थी जिन्होंने प्री इलेक्शन ऑब्जर्वेशन में जाना, वो सारा प्रोग्राम करेंगे जी। मैडम इन पावर उस वक्त हो सकता है कोई जब उनके लिए कोई इनिशिएटिव लिया जाए, मसलन खवातीन उस वक्त इन पावर हुई जब 2001 में ट्रांसजेंडर के लिए आईजी पंजाब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, और मैं समझती हूँ कि उन्होंने जब उन्हें वो एक कवर दिया है, जॉब्स दी हैं, प्रायोरिटी दी है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज की और बाकी अभी है ना कि इन ग्रुप को एक समाजी तहफुज, हाँ समाजी तहफुज जो है ना वो इनको फराहम किया गया, और इस वजह से आप देखिए कि वो हमारी वो जो कम्युनिटी वो बिल्कुल ही डिप्राइव्ड हो गई हुई थी, अब देखिए उनका ऑनर फील करते हैं, शनाती कार्ड उनके बन रहे हैं, शनाती कार्ड उनके बन रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं, और वो जो आपके लाहौर में ही है वो डॉक्टर बनी है सारा, और एक वकील भी है, फैजी भी है, वो पुलिस में है, बिल्कुल पुलिस में। अच्छा जी, ये भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाता है, ये जो हम चीजें आपको डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इनका ये जो हमारे मुकामी मुंतरी नुमाइंदगान है ना, बिस्मिल्ला, इनका काम ही जो है ये इन्होंने अपनी कम्युनिटी को ऊपर उठाना है। अच्छा, अब ये होता है बिस्मिल्ला कि इस तरह जब हम एक नाम लेके अपनी एक वो बना लेते हैं ना, एक अपना क्या उसको कहते हैं मॉडल बना लेते हैं, तो जब हम उसके रेफरेंस से बात करते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग जरा ज्यादा बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो अब आपने एंड तक ना हमारे आप मुकामी मुंतरी नुमाइंदा है, ठीक है, तो आपका जो रोल है, तो अच्छा इसमें मैं फिर वो बात करूंगी कि आप सब देखिए माजी में आपने काम, आप लेडी काउंसलर रही हैं, वो अलग बात है कि आपने काम किया या नहीं किया, क्योंकि जिन्होंने डिलीवर किया होता काम किया होता वो चुप करके नहीं बैठते, ये चुप करके वो बैठते हैं जिनकी हाजिरियां जाके ना उनके शोर लगा रहे होते हैं। मुझे गुजरात में एक काउंसलर के साथ वही कंसल्टेटिव सेशन हमने जो मैं गुजरात भी करने, वहाँ जनाब हमारा वो कॉर्पोरेशन में वो जो वहाँ के जो थे ना चेयरमैन, जिला के चेयरमैन, उन्होंने बड़ा अच्छा इस पे इस चीज को संजीदगी से लिया। मैंने कहा जी 20 काउंसलर्स के साथ मीटिंग करानी है, उन्होंने अपने पीओ का, उसने अपने पूरे जो गुजरात सिटी का जो एरिया ना वहाँ के सारे काउंसलर बुला लिए, वो 100 तक की कोई तादाद बन गई। अच्छा, अब वो बैठे तो मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, तो एक मिस्टर के पास अटेंडेंस शीट गई है ना, तो वो लिख रही है रजिया बानो, मैं कह सर आपका नाम रजिया, कहते नहीं मैं अपनी बीवी की हाजिरी लगा रहा हूँ, मेरी बीवी काउंसलर है और मैं नहीं। ये तो सबसे बड़ा एक बैरियर है ना, ये हम हवा देने का बैरियर है, इसको तोड़ने की जरूरत है, ये सबसे बड़ी चीजें रुकावट है। अगर जब हम एक सिस्टम के साथ बांटते हैं तो हमने उसमें आना है। अब देखे ना, मैं अगर इस एनजीओ सेक्टर में मैं आई, मेरी एनजीओ की जॉब हुई, तो मुझे बताया गया कि आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मुझे ऑफिस बैठ के भी काम करना है, मुझे फील्ड का काम भी करना है, ठीक है। अब मुझे सब पता है कि मैंने वहां मेल भी है, खवातीन भी है स्टाफ में, और जो मेरा काम होगा उसके लिए मुझे मर्दों से भी मिलना है, मुझे औरतों से भी मिलना है, मुझे ट्रांसजेंडर से भी मिलना है, मुझे माइनॉरिटी से भी मिलना है, मुझे हर कैटेगरी, अच्छा फिर मर्द औरत में भी हर तरह के लोगों से मिलना है, मतलब जो भी है, मैंने एक उम्मीदवार से मिलना है, वो अच्छा बुरा एक और बात है, लेकिन मैंने उससे मिलना है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये कहूँ, हाँ एक चीज पे हम पे हमारी ऑफिशियली आई थी एक दफा, तो हमें कहा गया था कि पुलिस स्टेशन में खवातीन ना भेजे, क्योंकि वहां से एक परसेप्शन आई, हम ना आईजी जो था हमारा आईजी का डीजी का सॉरी ऑफिस था, वहां हम एक फॉर्म के लिए इंफॉर्मेशन लेने जाते थे क्राइम्स के हवाले से। अब उधर से एक कमेंट हमें सुनने को मिला कि ये जो बड़ी एनजीओ होती है ना, अब देखे माइंड सेट लोगों के, इस तरह के कामों के लिए ना इंफॉर्मेशन लेने के लिए खवातीन को आगे लगाते हैं, ये कि खवातीन जाती हैं तो उनको डेटा मिल जाते हैं, खवातीन होने का लिया जाएगा, मतलब इस तरह से लिया, वहां पे थोड़ा सा उन्होंने कर दी। बाकी अब फिर अब मेरे पे मेरे आगे सारी सिचुएशन है, अब ये मेरे पे है कि मैंने अगर तो मैंने ये काम करना है, सेक्टर में रहना है, तो फिर मुझे अपने जहां जहां मेरा रोल बनता है मुझे वो प्ले करना है, चाहे मुझे मैंने फील्ड में भी जाना है,
मैंने दूसरे शहर भी जाना है, मैंने ऑफिस में भी बैठ है ना सारे। तो जब हम एक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो नुमाइंदगान है, जब हम अवामी खिदमत के लिए अपने आप को एलोकेट अपने आप को नामजद कर रहे हैं, इतनी हमने पेन ली, इलेक्शन का हिस्सा बने आए, तो फिर हमें जो हमारी जिम्मेदारियां, जो हमारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमने उनको भी अदा करना हमारे लिए जरूरी है। तो इस बैरियर को आपने खत्म करना है, ना सिर्फ आपके तो अल्लाह का शुक्र है नहीं होंगे खत्म है तो यहाँ तक पहुंची है, लेकिन आगे भी मजीद हवा भी इनको मोटिवेट करना है कि सिस्टम का हिस्सा बने तो, और इन बैरियर्स को क्रॉस करना है। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि इनके पास अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी है कि अपनी हल्के की आवाम की बेहतरी के लिए ये क्या कर सकते हैं, ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, इनके पावर जो है वो इनके पास होती है कि ये डिसीजन लेंगे जी कहाँ स्ट्रीट लाइट लगवानी है, कहाँ इन्होंने अपनी गलियां वालियां बनवानी है, किन किन लोकेलिटीज में पीने का साफ पानी नहीं है, किन एरियाज में इन्होंने वो जो म्यूनसिपल वो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज हैं तो हमने वो कहाँ भी अपने करवाने, ये सारे स्टैंड क्या होते हैं इन्होंने अपने लेने होते हैं और इनके पास अथॉरिटी होती है। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा ये, और ये सारा क्यों करना था, क्योंकि ये अवाम और हुकूमत के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहे होते हैं, कि अवाम का जो ट्रस्ट नहीं होता अपनी हुकूमत के ऊपर, अब मैं कहती हूँ मुकामी हुकूमतों का क्या फायदा, ये क्या करने के लिए बनाई जाती है, तो उसका जवाब ये जो अवामी नुमाइंदे हैं जो बिस्मिल्लाह अपना रोल प्ले करेंगे ना, मुझे तब पता चलेगा कि ये हुकूमत किस लिए बनी। जब ये आप नुमाइंदगान अपना रोल प्ले करेंगे, अवाम को सहूलियत कहाँ देंगे, उनके दहलीजों पे, डोर स्टेप पे मिलेंगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अवाम का हुकूमत पर जो ट्रस्ट है वो बढ़ गया। ठीक है, वो डिवेलप हो गया। अच्छा जी, ये फंक्शंस ऑफ लोकल काउंसिल, वो जो हमने पहले हमने वो डिस्कस की थी चीजें, ठीक है, लोकल काउंसिल के फंक्शन वही है, अच्छा ये वही है जो हमने अपने वो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में पढ़े, उधर हमने ये लिखा था कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के फंक्शन ठीक हो गया, अब ये और यूसी के फंक्शन अलग अलग थे, ये ओवरऑल ओवरऑल लोकल काउंसिल के फंक्शन आ गए। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा मेरा वर्ड कट रहे हैं। अच्छा अच्छा तो ठीक है, इतना समझ आ रही है, वैसे नहीं मिल रहा। हाँ अच्छा जी, सबसे पहले मोटी मोटी चीजें वही हैं जो हमने टीचर वाले टीचर फंक्शन पढ़े हैं ना, ये वही है कि बजट प्लान करना और उसको अप्रूव करवाना, फिर अच्छा टैक्स एंड फीस सेटिंग, लोकल काउंसिल खुद ये सेट करती है, डिटरमाइन कर दिया कि कौन सा टैक्स हमने लेना है और कितने उसके चार्जेस लेने हैं, वो सारा कुछ वो उसने खुद तय करना होता है। अच्छा ये टैक्सेस जो होते हैं उनको उनके रेट डिटरमाइन कर दिया, फीसेस और ये जो और ये इंश्योर करती है कि अच्छा अब ये सारा कुछ जो उसके पास वसूलियां होती है ना टैक्सों की शक्ल में, फीसों की शक्ल में, ये उसको एक इंडिपेंडेंट, ये उसका रेवेन्यू है, वसूलियां है, जिसकी वजह से वो माली लिहाज से खुद मुख्तार हुकूमत हो जाती है, उसके पास जो जितना उसने कमाना है टैक्स और वसूलियों से, तो ये उसकी एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल जिसको कहते हैं ना कमाई, ये उसकी अपनी कमाई है और उसके ऊपर उसने इंडिपेंडेंट अपने इनिशिएटिव लेने हैं कि मेरे पास जो पैसे इकट्ठे हो गए हैं मैंने उनको कहाँ और किस मद में मैंने खर्च करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता जी लोग पब्लिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जैसे गलियों नालियों के लिए जो ठेके शेके देते हैं, ये भी इख्तियार इनके पास है, होते हैं ना कि वो चेयरमैन ने बड़े पैसे खाए हैं, चेयरमैन अपना 12% चेयरमैन ने ले लिया और चेयरमैन है, वो कुछ उन चीजों को प्लान करेंगे ना जिनसे उनके इलेक्शन पे खर्चे निकल आए, उन्होंने फिर उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो ज्यादा फोकस करना होता है। तो ओवरऑल मुकामी हुकूमत ने क्या करना होता है कि ये ठेके शेके भी वो देते हैं, अच्छा फिर ये सिर्फ ठेका देते नहीं है, फिर इन्होंने चेक एंड बैलेंस भी रखना है, क्योंकि वो जो उनके अपने वसाइल इकट्ठे हुए उन्होंने तो वहां से अपने स्कीम प्लान करनी है ना, उनके काम पे भी चेक एंड बैलेंस रखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, और फिर उन्होंने ये भी इंश्योर करना है कि जो उस प्लान का जो टाइम लाइन है दी गई है 6 माह में 3 माह की या साल की वो, अच्छा और ये जो डेवलपमेंट प्लान होंगे ना ये जिसको कहते हैं ना क्लील मुद्दती और तवील मुद्दती,
लंबे अरसे के और छोटे अरसे के, ये दोनों तरह के होंगे, ठीक है, ये बनते हैं। तो उन्होंने फिर उस उनको उनकी देखना है कि क्वालिटी। अब एक मेरे इलाके में ऐसा हुआ था कि वो गटर बन रहे थे, तो वो एक शहरी ने देखा, एक आम सा बंदा था, बल्कि वो जो लेबर लगी थी ना, वो जो लेबर का बंदा था ना, उसने क्या किया कि हमारे इलाके के जो जड़ा जो आगे फोकल पर्सन बने होते हैं, उनको जाया कहता है कि ये जो ठेकेदार काम करवा रहा है ना, ये सही नहीं करवा रहा। अच्छा जी, उस पर चेयरमैन साहब को फिर उन्होंने बुला लिया, उन्होंने सारा फिर आगे ऑब्जर्व किया, तो कहता है वाकई है, मतलब जो भी उनका लेवल होना चाहिए था, जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, वो नहीं बन पा रही जो होनी चाहिए थी। तो उन्होंने एक टाइम फ्रेम देखना, दूसरा ये भी देखना है कि वो काम क्वालिटी का करवा भी रहे हैं कि नहीं, सिर्फ ठेका देके नहीं उन्होंने बैठ जाना, मटेरियल भी जाके चेक करना है कि जो काम होते हैं। अक्सर आप देखते हैं ना कि पुल बना तो अभी 1.5 महीना हुआ था तो वो गिर गया, अक्सर सुनते हैं ना, तो ये था कि नागज मटेरियल, वो ठेकेदार अपनी अर्निंग के लिए वो क्या कर नागज मटेरियल, तो अगर उसका चेक एंड बैलेंस हो जाता, मटेरियल जाके चेक किया जाता, सारा उसका क्वालिटी चेक की जाती है चीज की, तो शायद वो नुकसान ना होता। जैसे कि हम सड़क बनवाते हैं तो उसमें गली ग्रेडिंग उसमें पास की जाती है, लेकिन ठेकेदार गली ग्रेडिंग छोड़ के सिंपल से रोड बनाता है, सिंपल ग्रेडिंग। अच्छा, अब ये सबसे अहम बात, अब देखे जब हमने बात की थी कि जो लोकल काउंसिल बनेगी ना, वो 3 महीने के पहले 3 महीनों में अपने बाय लॉज उसने अपने बना लेने, एक कानून बना ना लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 कानून, अब इसके नीचे वो जो बाय लॉज उन्होंने अपने बनाने हैं, ठीक है, कि उन्होंने अब वो मेट्रोपॉलिटन कैसे काम करेगी, ठीक है, उस हवाले से उन्होंने अपने कानून जो है ना वो बनाएंगे। अब वो लोकल बाय लॉज रेगुलेशन इम्प्लीमेंट, फिर लोकल काउंसिल जो कानून अपने बनाएगी, मुतलका कानून बनाएगी, उन पर अमल दरामद करवाना, उन पर अमल दरामद कैसे होगा कि जिस सिलसिले में वो बनाए गए वो काम उन्होंने करने हैं, वो उन्होंने फॉलो करवाने हैं। फीस लगाई गई है कि ये बर्थ सर्टिफिकेट के डेथ सर्टिफिकेट उसके वो बढ़ा चढ़ा के देखे, जैसे लोकल नीड पूरी करनी है। देखे मुकामी हुकूमत जो है डोर स्टेप पे, एक तो मुकामी हुकूमतों सिर्फ ये 2-4 काम है कि उन्होंने जो डोर स्टेप पे जो सहूलियात पहुंचानी है, वो क्या पहुंचानी, जो आम की नीड्स है, ठीक है, रूटीन लाइफ में जो मसले मसाइल उनके वो हल करने हैं, और जो उनकी नीड्स है वो पूरी करनी है हमसे, ठीक है। नीड में क्या आ जाएगा, जैसे पीने का हमें साफ पानी में ऐसा नहीं आए दिन, अब मोहल्ले में वो वबाएं फैल रही हैं, ठीक है, बिल्कुल, तो वो नीड को, कम्युनिटी की नीड को पूरा करना है, और उसके लिए उन्होंने जो बायलॉज बनाने उस पर इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने करवानी है, ठीक हो गया। उसके लोकल फाइनेंस मैनेजमेंट, लोकल फाइनेंस वो जो वसूलियां फाइनेंस मैनेजमेंट है, अब देखिए तो उनकी एक अपनी कमाई हो जाती है, वो जो टैक्सों के जरिए उनकी वसूलियां होती हैं, फिर कुछ इनको पैसे सूबाई असम्बली की तरफ, सूबाई हुकूमत की तरफ से भी मिलते हैं, फंड्स और ग्रांट्स मिलती हैं, फिर वो जो पब्लिक क्या होता है, सूबाई फाइनेंस कमीशन एक बनाया गया, उधर से भी इनको एक हिस्सा मिलता है, तो ये जितने भी उनके पास पैसे होते हैं, फिर उन्होंने अब उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, माली मैनेजमेंट अपनी इस तरह से करनी है कि उनके जो वसाइल है ना वो जाया ना हो, जो उनके पास पैसा आ रहा है ग्रांट की शक्ल, उनको इंटरनेशनल को अदारे भी आ जाते हैं, ठीक को काम शुरू कर लेते हैं, तो उनका मकसद इसका ये है कि वो जो एलो जो वसाइल जहां लगने हैं और जितने लगने हैं ना वो उतने ही लगे, वसाइल का इस्तेमाल सही जगहों पर हो, वसाइल जाया ना हो। अब एक कम्युनिटी को जरूरत है कि वहां पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, ठीक है, और दूसरी तरफ हाँ रहिला वाली बात, एक सड़क अच्छी भली चल रही है, वो गुजारा हो सकता है, तो आप बजाय के अपने बीमारियों से बचाने के लिए पीने का साफ पानी वहां पहुंचाएं, और वही जो अपने नफे के लिए वो जो ठेके पे आपने सड़क देनी है वो शुरू करवा दें, तो नहीं तो वो फिर ज्यादा होगा, क्योंकि जहाँ एलोकेशन होनी चाहिए वो तो हुई नहीं, लोगों को तो उनकी नीड्स जो है वो पूरी हुई नहीं, वो होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वसाइल का जो इस्तेमाल है सही मोसर और बड़ा तेज इस्तेमाल जो है ना वो होना चाहिए। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है कि वो अपने कांसी हल्के की जो अवाम है वहां जो उनकी जो उनका करने का काम है वो अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा मोसर तरीके से अदा करें। उनको चाहिए कि जो काउंसिल के इजलास होते हैं, काउंसिलर इलेक्टेड काउंसिलर, अब ये काउंसिलर की बात हो रही है, जो उनके काउंसिल का इजलास हो उस इजलास में जाए, इजलास में जाए, और जो हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात ऊपर की थी, अवामी शराकत की बात की थी, तो अवामी अपने काउंसिलों के इजलास में अवामी शमूलियत जो है उसको भी इंश्योर करे, ताकि उनकी तरफ से भी राय आए, अब उनकी राय आएगी और उसके बाद ये फैसले किए जाए
हमने कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करने हैं, कौन सी तरक्याती स्कीमें हमने बनानी हैं। तो फिर उसके बाद वहां जो डिसीजन लिया, जो डिसीजन मेकिंग, जो जो काउंसिल के जहाँ फैसले होने हैं, फैसला साजी का जो अमल है उसका भी वो हिस्सा बने कि कहाँ क्या फैसले हो रहे हैं। वहां अगर उसका इनपुट बनता है तो वो अपना इनपुट वहां पे देगा। याद रखें कि अब लोकली सतह के ऊपर जो मकामी हुकूमत है उसमें प्रायोरिटी पे क्या है, आवाम की शमूलियत। आवाम की शमूलियत से आप तरजीहात का तयन होगा कि पैसे आपने वसाइल का इस्तेमाल कहाँ करना है, ठीक है, कौन से तरक्याती कामों में आपने को आपने तरजीहात तरजीही बुनियादों पे आपने शुरू करना है, ठीक है। तो अवाम की शराकत, मुशावरत इसमें मेन मेन इसमें एक जिसको कहते हैं हड्डी, मेन हब वो ये है। अगर ये अवाम की शमूलियत नहीं है तो फिर वो मुकामी हुकूमत नहीं है, फिर वो मरकजी हुकूमत होगी, ठीक है। तो इसमें जिसमें अवाम की शमूलियत ज्यादा से ज्यादा है, शिरकत होगी, जब अवाम शामिल होगी ना फिर वो पूछेगी भी जी आप, उस अवाम के सामने सारा कुछ होगा जी ये मसला, इसमें इतने ये मंसूबा बना रहे हैं, इसमें इतना बजट एलोकेट हुआ है, फिर वहां भी पूछते हैं जी वो जो आपने बजट एलोकेट किया कहाँ कहाँ खर्च हुआ था, उसमें तो कितने पैसे लगे, कितने बचे। गुजरांवाला में जब हमारा गुजरांवाला रोड पे वो एक फ्लाईओवर बन रहा था। अच्छा मैं चूंकि ये मेरी वो मैं मिसालें शेयर कर रही हूँ, इसमें खुद शामिल रहेंगे, इसलिए आप भी करेंगे, आप भी शामिल करें इसमें, मैं चाहती हूँ इसलिए शेयर करती हूँ कि आपकी तरफ से भी आए। अब मैं तो वही हिस्सा नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी की बात करने लगी हूँ। तो अब हमारा जो राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19 से, आइन का आर्टिकल 19 से जो ना जो ट्रांसपेरेंसी की हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल हमारा है 19A। अब ये 19A है ना आयन का आर्टिकल, इसमें लिखा गया है कि कोई भी शहरी जो है ना वो अपने किसी भी मतलब वो जो अवामी इदारे हैं, बंद करवा दो चलो। अच्छा बच्चे ये जरा इसी चलवा दो, लेकिन हल्का चलवाइएगा। आप 1 मिनट ठहर जाए, फिर आप कुछ ना किसी और जगह बैठ जाए, आप इधर हो जाए, आप सेंटर में आ जाए। अच्छा जी 19A में आर्टिकल 19A के मुताबिक क्या है, आर्टिकल 19A जो है वो कहता है कि कोई भी शहरी अवामी या जो अदारे वहां से पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने एक हल्का तालुकाती ग्रुप बनाए हुए थे, तो हमारे हल्का तालुकाती ग्रुप के मेंबर ने जनाब वो एप्लीकेशन, क्योंकि ये सारे हमने उनकी ट्रेनिंग की हुई थी, हम खुद भी इनकी प्रोसेस करते रहे हैं, और फिर कुछ हमारे अदारों के साथ ना तालुका खराब भी हुए पूछने पे बेटी आप होते कौन है। अब जब हम स्टार्ट में 2012-13 की बात है, तो एक पुलिस स्टेशन हम गए, तो हमने कहा जी हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और इस लॉ के तहत, वो कहते हैं मेरी बात सुनो, इन्फॉर्मेशन दे देने कुछ ऐसी है। अच्छा तो वो मिस्टर ने एप्लीकेशन लिखी डिप्टी कमिश्नर के नाम, तो वो जो पुल बन रहा था ना, बल्कि उनके एरिया में एक नाला बन रहा था, बड़े अरसे से बन रहा था, वो कहते हैं जी मुझे एक वो पुल और एक नाला, कहते हैं जी मुझे बताया जाए कि इन पे कितनी लागत, कितना बजट इस पे आपने रखा है, और अब आप बता के इस पे कितनी लागत आएगी। यकीन जाने वो 5-6 दफा गया डीसी के ऑफिस में। अच्छा जी एप्लीकेशन लेके फलां के पास चले जाओ, फलां के पास चले जाओ, हम बताते हैं तुम्हें बताते हैं, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन जो है ना लारे कपो में हमने रखा, कोई किसी ने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं दी। अब आपने कभी यह भी देखा होगा कि जब कोई कुछ जगहों पे वो तख्तियां लगी होती हैं, वो उन्होंने ना लगाई होती है जी ये मंसूबा था, ये गली बनी है, ये तरक्याती मंसूबा था, इलाके का नाम होता है, इस पे इतनी लागत, इस पे इतनी थी और एक्चुअल लागत इस पे इतनी खर्च हुई है, इसका ट्रांसफर है मुद्दत को भी चाहिए, मुद्दत में ये मंसूबा जो है ना वो खत्म हुआ है, ठीक है। तो ये होती है ट्रांसफर, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है। अभी मैंने ये आपसे पूछ लेना। अच्छा जी मैडम नसीम प्लीज जरा इस एम्बैरेसमेंट आप थोड़े से उधर हो जाए, हाँ नरगे साहब ये पीछे हाल ही इधर आ जाए,
अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे कि जहाँ पर चेक एंड बैलेंस होगा ना वो, और काम बड़े सही तरीके से होगा, यकीन से आने वो आपको बाखुशी वो इजाजत देंगे। और ये जो लोकल इस एक्ट में भी लिखा गया हुआ है कि शहरियों को पब्लिक इंफॉर्मेशन लेने की इजाजत है, वो किसी भी अदारे में जाके मालूम ले सकते हैं। और ये राइट है, ये बीइंग अ सिटीजन हमारा राइट है कि हम किसी अदारे में पब्लिक अदारे में जाके पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है हम ले सकते हैं जी। इस पे तो हमारे बहुत सारे हमारे अपने लोकल गवर्नमेंट के जो हमने प्रोजेक्ट किए अपने एरिया के, अगर मैं बात करूँ मैंने अपने एरिया में जो किए, उसमें हम ये करते थे कि जितनी गली में अगर सीवरेज बिछ रहा है तो उसके सामने सामने वाले जो घर हैं वो पूरा ध्यान रखते थे कि जो पाइप डला है वो कहीं से क्रैक या कुछ ऐसे। Exactly. और फिर वो रोज के हमारा कॉन्ट्रेक्टर आ रहा है उसको भी चेक करते थे। समटाइम्स ये हुआ कि हमारे जो पीछे एक बड़ी सोसाइटी है जिन्होंने रात गए वहां अपना सीवरेज डालना चाहा बगैर एलडी को पेमेंट किए बगैर, तो हमने फिर उसकी एफआईआर भी मैंने करवाई, रुकवाया भी और उसको पाइप को कट किया। और बकायदा जब तक पेमेंट नहीं हुई हमने वो स्लिप देख ली तब तक हमने उसको कर दिया। अब देखिए ना, मैं बिस्मिल्लाह आपका पॉइंट लेती हूँ, यही बात है कि देखें जब फौरन इंटरवेंशन हुई तो जहाँ मुकामी सतह पे जब इस तरह के काम होंगे तो उसमें जब पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है ना लोग, अब देखें जब हम एक जगह पे जिनको कहते हैं ना सादा अल्फाज में जिन्होंने कोई नहीं पूछता वो आम शहरी है, कोई नहीं ना पूछता, तो जब इन आम शहरियों को आप बताएंगे वहां की बताएं क्या किया जाए। मैडम बिस्मिल्लाह बुला रही हैं, हम आम आवाम है शहरी हैं, हमें बुला के जब हमें ये कहेंगी हमारी राय लेकर चलेंगी तो हमारी सजेशन लेकर ये चलेंगे और उनको अहमियत देंगी हमारी राय को, तो जारी सी बात है जो ये स्टैंड लेंगे हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे। फिर इन्होंने डेवलपमेंट का काम वो पाइप डलवाने शुरू कर दिए, तो जारी सी बात है बीघा सिटी से फिर हम जाकर देखेंगे तो सही ना कि जो काम हमारी राय लेके बिस्मिल्लाह ने करवाया है ये अल्टीमेटली बात है ना वो ऐसे तरीके से सारा अंजाम दिया जा रहा है। और ये सिर्फ एक, जैसे मैंने आपको अपने इलाके की बात बताई रिजवाना ने भी बता दी, इसी तरह बाकियों जहाँ पे काम हो ऐसे ही होता है कि फौरी फौरी लोगों के रिएक्शन आते हैं, क्वालिटी भी चेक होती है, ठीक है उनकी क्वांटिटी भी चेक होती है, चेक एंड बैलेंस। और जब ये चीजें सारी वहां पे होंगी तो वहां पे ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी भी बिल्ड अप होगी, वहां पे अकाउंटेबिलिटी भी होगी, हुकूमतों के ऊपर अवाम का ट्रस्ट बिल्ड अप होगा, ठीक हो गया। अच्छा आगे जी, हाँ जी बिस्मिल्लाह आप कुछ बात करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है ना पब्लिक, मकामी हुकूमतों में सबसे इम्पोर्टेंट बजट से पहले प्री बजट सेमिनार और उसके बाद पोस्ट बजट सेमिनार, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ पर स्मृति से वो प्रैक्टिस नजर नहीं। आखिरी बात ये करूंगी कि जब हम बात कर रहे हैं निगरानी की और सब, मैं चूंकि 3 दफा हिस्सा रही, बास दफा हम जिस भी टियर पे होते हैं हमें फंक्शंस का पता नहीं होता और हमारी डिमांड उस फंक्शन उस टियर के फंक्शन पे डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने से ही कुछ मेल फीमेल ने कहा कि खवातीन या मेल्स के ट्रिप ले, अब वो उनके फंक्शन में नहीं था, जब वो आदत लग गए तो फिर उससे क्या बदनामी हुई कि मकामी हुकूमतों में करप्शन की निशानदेही। तो ये जब आप उस फंक्शन उस क्राइटेरिया उस सब चीज को मद्देनजर रखते हैं आपका काम शफाफ होता है तो वो फिर कोई उसको रुकावट बनाकर रोक नहीं सकता। दो टेन्योर के आदत ऑब्जेक्शन जो है वो सारे वही है, कहीं पे किसी की पैसे की बदनीति नहीं है, फंक्शंस को क्रॉस कर दिया, लिमिट अपनी से आगे चले गए, निगरानी नहीं की और वो मटेरियल उस लेवल पे नहीं है तो उससे वो चीजें जब रिजल्ट नहीं आए तो उससे भी कहा ये जाता है कि मकामी हुकूमतों का सिस्टम फ्लॉप हो गया। इसके खत्म करने अब यही बात है ना कि ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, प्लानिंग उसकी डेवलपमेंट उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर लोगों की शिरकत, ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। जब तक आप अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जिम्मेदारियों को नहीं ना समझेंगे आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपके फंक्शन भी क्रॉस होंगे तो वो फिर अल्टीमेट रिजल्ट वही है जिन्होंने बताया फ्लॉप गवर्नमेंट, वो फ्लॉप गवर्नमेंट का वो एक टैग लग जाएगा। तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप जिस सिस्टम का हिस्सा बनना जा रहे हैं
आपको पता हो कि हमने जब उसका हिस्सा बना है तो हमने क्या कुछ करना है, आप मेंटली प्रिपेयर हो। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर होके जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट भी होंगे, आप अच्छी राय भी देंगे, सुजेशन भी देंगे, आवाम को भी उसी तरह शमूलियत करेंगे। जब तरक्याती स्कीमें बनेंगी तो आपकी राय वैलिड भी होगी क्योंकि आपने काम किया हुआ है, काम किया होगा, फिर उसमें जो बजट साजी होगी चले वो अप्रूवल होगी, इम्प्लीमेंटेशन वो सारा कुछ। हाँ जी, उसमें उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपके मेंबर्स आपको चूज कर रहे होते हैं, अमूमन में लोकल गवर्नमेंट में खुद भी उसका पार्ट रहे, जो चेयरमैन है या बाकी लोग हैं वो ऐसी काउंसलर्स, लेडी काउंसलर की अगर मैं बात करूँ तो वो उनको चाहिए जिसकी ना आंखें हो ना उसके कान हो ना उसकी जबान हो, अगर वो कहे कि आपने इस जगह पे जाना है तो वो जाए, यानी आप वो अपनी राय नहीं दे सकेगी, वो प्रोजेक्ट्स में आपके साथ शामिल नहीं हो सकेगी, वो अप्रूवल नहीं करवा सकेगी सिनेमा हाउस से, आप वो जा नहीं सकेगी। ये बात है कि वो जैसे मैडम ने बात की ना, अब खवातीन को असल में वो कह देते हैं, बल्कि अभी हम कल कल की बात है, हमारा आज सियालकोट में बजट बजट मेकिंग प्रोसेस के वास्ते एक सेशन हो रहा है, उस पर एक रिपोर्ट शेयर होनी है। अब हमने कहा कि भाई पूछा ना जो हमारे वहाँ के फोकल पर्सन है, हमने कहा आप सेशन में खवातीन कितनी है, 25-30 लोगों का ग्रुप था, कहता है जी छड़ो जी, अब उसी पर सोसाइटी का बनता है, छड़ो जी ये बीबियों का भी काम मेरे भी अजीज है, मेरे भी अजीज थे वो इलेक्शन में आए चेयरमैन के, लोकल यूसी की सतह पे चेयरमैन के इलेक्शन में आए, उन्होंने मेरे भाई के हाथ पैगाम भेजा। अब वो चूंकि लोगों में बैठे थे, कहते थे वो जो खवातीन की एक नशीस है मैंने ना आप ही को देनी है, आपकी आप ही मैंने उसके लिए नॉमिनेट करनी है। मेरे भाई ने कहा ठीक है जी आप ही आ रहे। अब गा के मेरा भाई मुझे पता है कहते हैं आपको अगर उसका कुछ फोन शोन आया ना तो आपने मना कर देना उसको उसने डायरेक्ट मना नहीं किया उसको, ठीक है उसको भी छापा नहीं है, तो मुझे आके आपको कह कर आपको लेडी काउंसिल लेना है तो आपने ना उसको मना कर देना कि मैंने नहीं सुना। तो बातों का क्या है कि ये हमारी बात किसी को दी है, बदकिस्मती है, बल्कि आप अगर जहां जहां खवातीन की नुमाइंदगी है ना, अब आप देखेंगे हम इसी पे तो हम डिमांड रेस कर रहे हैं, हमने इसी पे मैडम प्लीज ब्लैक शॉल वाले मुझे आपका नाम क्या नाम है आपका, हफ्जा सैरिश बताओ नाम, हफ्जा सैरिश, हाँ अच्छा ये बढ़िया हम बातें हैं। अब यही बातें ना कि जब हम खवातीन खुद ही हम इन चीजों का नजर जिम्मेदारियों को समझना ही ना चाहें, ये एक और बात आती है। ये हमारी बात किस्मत ही है कि असल में मकसद वही है पीछे कि कोई हमें चैलेंज ना करते, तो इस तरह की खवातीन या मिनोरिटी के लोग महसूस में शिशतों में जो लोग लाए जाते हैं ना वहां जो उनके उंगली के ऊपर ना चेयरमैन के पास हो और उनके स्टेज पे चले जाते हैं, कोई हमें पूछे ना कि क्या है। अच्छा कुछ खवातीन लेडी काउंसलर कुछ पंगेबाज भी होती हैं, वो कहती हैं भाई अब हम आ गए तो हम आप कुछ करके जाएंगे, तो फिर उनके कुछ क्लैशेस भी फिर चलते हैं, वो भी उन्होंने हमसे शेयर किए, बहुत क्लैशेस भी चलते हैं, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन जो कि सिस्टम हमें क्या कह रहा है, हमारा लॉ हमें क्या कह रहा है, अभी हम उसके ज्यूरिडिक्शन में रह के बात करेंगे। और देखिए हमारे पास कितने इख्तियार हैं, हम कितने इसमें इम्पावर हैं। अच्छा लोग उसके बाद क्या है, वो हमने कहा था कि वही बात के लोकल बाय लॉज हैं, ये तो पार्टी होने गया, ये तो हो गया इलेक्टेड मेंबर्स एंड हां वो लोकल लॉज पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इलेक्टेड मेंबर की रिस्पांसिबिलिटीज। अच्छा अब ये भी वही है, अब इसमें एनफोर्समेंट ऑफ लॉज हैं, ठीक है मैनेजमेंट लोकल जो लोकल प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, जो मुकामी हुकूमतों के पास जो लोकल प्रॉपर्टीज आएंगी ना, उनके पास लैंड है, उनके पास गाड़ियां हैं सरकारी जो होंगी, तो उनका एक तो उन्होंने रिकॉर्ड रखना है कि उनके पास कौन कौन सी चीज है, कौन कौन सा इदारा है, कितनी लैंड है, कितने व्हीकल्स हैं, गाड़ियां उनके पास। फिर इसके साथ उन्होंने उनका जिस तरह फंड का इस्तेमाल उन्होंने बड़ा ऐसे तरीके से करना है ना ट्रांसपेरेंट, इसी तरह प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल उन्होंने बड़ा ऐसे करना जैसे उनकी अपनी है। अक्सर होता है ना सरकारी घर और लै जो जितने देर कर देना है, साडा कौन सा खराब हो, हमारा कौन सा खर्चा है। कराची का मेयर है, 15 साल से अनफंक्शनल गाड़ियां पड़ी हुई थी, उनको फंक्शनल की आने के बाद ये चीजें हो सकती है।
अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अब मेरी मेरी बहन न्यूट्रिशन है, अब उसने जब BHU में उसकी ड्यूटी लगी, जब उसकी तैनाती हुई, जब वो वहां गई तो जाकर उसने देखा कि वहां जो गाड़ी थी ना जिसपे स्टाफ ने वो फील्ड का काम करा था, वो कर रहा था, उसके 4 पहिए गायब है। और वो वहां पड़े, मतलब वो खुले आसमान तले वो खड़ी रस्सी हो है, गई। और वो उसके वो पेंट उतर गया, उसको जंग लग रहा है। लोग जिसने मूव करना वो इंडिपेंडेंटली बेचारे कर रहे हैं, स्टाफ मूव कर रहे हैं, और जिस गाड़ी जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होने थे उसके पहिए ही नहीं है, वो ऑपरेशनल ही नहीं है। और ये बड़े जगहों पे इस तरह से है भाई, जो हमारी अभी हम अपने लोकल गवर्नमेंट या जितने भी सरकारी अदारे हैं जाकर वहां देखे ना कि जो क्या हाल है प्रॉपर्टी का, मतलब कुछ हस्ता हाली का चीजें शिकार है। और जो गाड़ियां हैं, गाड़ी है तो वो कहते हैं जी पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है तो वो कहते हैं जी आज उसकी फलां चीज खराब हो गई, और वो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना मूव कर सके। तो यह है कि उन चीजों का इस्तेमाल उसी तरह से करें कि जैसे, और अपनी गाड़ियां हम रोज टावल पकड़ के उनके शीशे भी चमकाते हैं, उनकी हम डस्टिंग भी करते हैं, हल्की सी भी डस्ट ना पड़े, हमें अपनी शक्ल नजर आए उसमें से। ये हमारे, तो अगर हम इन चीजों की हिफाजत भी उसी तरह से करें तो अब इन चीजों का मकसद क्या है कि जितनी अच्छी ये चीजें हमारे पास होंगी उतनी अच्छी हम कम्युनिटी को उनकी जो नीड्स है वो पहुंचाने में हम ये चीजें सारी हमें सहूलियात को दे सकती हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी ये बिजनेस ऑफ प्रोसीजर। अच्छा अब जनाब जो बिजनेस ऑफ प्रोसीजर है, अब हमारी जितनी काउंसिल के जो इजलास होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, अब उसमें जो कोरम है पूरा होने के लिए हमारे इस कानून के मुताबिक वैसे कितना कोरम होना चाहिए? सारे जितने मेंबर्स हाँ हैं जी, सारे खजाना ने सारी मीटिंग अटेंड की हुई होना है। हाँ जी, लेकिन चले सारे नहीं भी आते, कम से कम ही बात कर रहे हैं ना, वो तो होना चाहिए ना। कितना? 50% जो है ना कोरम पूरा होना चाहिए, उसमें मेंबरान की जो अटेंडेंस है ना ये इतनी होनी चाहिए जब मीटिंग के इजलास। अब ये जब काउंसिल के इजलास हो तो बींग अ लोकल जो मुकामी हुकूमत का नुमाइंदा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने काउंसिलों के इजलासों में हम शिरकत करें। और प्लीज वो अच्छा, कुछ लोग अब देखें हमारा हवा दिन का, ये भी बहुत बड़ा मसला है, हम साथ साथ चीजों को करते जाएं कि ये जो हमारा एक माइंड सेट है ना, अच्छा जी वो हम जा रहे हैं पता नहीं 500 कितना 1000 रुपया TLD, 500 रुपया वो पीछे का तो चलो बढ़ जाएगा, तो कम से कम ये जो 1000, 1200, 2000 वाली बात है ना, हम इन चीजों को निकाल दें। यकीन जाने जहां हम इस माइंड सेट के साथ जाते हैं ना कि वहां जा रहे हैं तो हमें 1000 रुपया मिल रहा है, तो वहां से हम सीखते कुछ नहीं है और ना ही हम वहां डिलीवर करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ वो 1000 रुपया जो होता है ना वो फंसा होता है। जब तक हम उस 1000 रुपये वाली बातों से बाहर नहीं ना आएंगे, हम अपनी ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाएंगे। भाई अब देखो हमारे ज्यूरिडिक्शन में आपके तो पैसे ध्यान है तो बोलना, हमने प्रॉपर यूटिलाइज करना है अपने रिसोर्स को, अपनी ये भी तो है ना, तो अपनी दूर है अभी तो वही लगता है असल में। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा असल में ना बोलने वाले को नहीं पता चल रहा था, हमें ये है कि अपने तमाम साथी जो है ना वो माइक चले जी, हम इसको थोड़ा और तो माइक आपको ये भी मिल गया ना, माइक लगा होगा तो तभी ना, हमें तो फील नहीं मार वैसे इतना आवाज। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें फिर डिसीजन मेकिंग कोरम पूरा 1/3 जो है ना, इसमें 1/3 नहीं 50% का जो होना है जो है ना वो होना चाहिए। थोड़ा था वो सिंध का लॉ जो था ना वो लिखा था तो मैंने उसमें चेंजेस की थी, तो शायद वो मेरा मेरी स्टेटमेंट वो सेव नहीं हो सकी, ठीक है, ये सिंध के लॉ में था। अच्छा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है ना वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होगा, अब एक पे हमने डिसीजन लेना है कि जी हमने जो गली बनवाने वाला प्रोजेक्ट करना है या पानी वाला करना है,
पानी पहुंचाने वाला करना है, या हम अपनी शहर को बड़ा जरा खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हम उस पर प्लांटेशन की जाए, कुछ इस तरह की चीजें। तो अब ये सारा डिसीजन जो होगा ना वो बाय वोट होगा कि हमने क्या करना है। ठीक हो गया, तो फिर जब कहते हैं जब टाई हो जाए तो फिर वो चेयरमैन साहब आ जाए। अच्छा, और ये जो काउंसिल का जो इजलास होगा ना, ये कौन बुलाएगा? वाइस चेयरमैन। और वाइस चेयरमैन एज ए क्या रोल प्ले कर रहा है? स्पीकर का। हाँ, शाबाश। ये सारे फंक्शन साथ साथ आपके माइंड में होने चाहिए, बेशक इनको लिखते भी जाए। और फिर के ये सारी प्रेजेंटेशन आपके पास ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाएंगे, व्हाट्सएप हो जाएंगे। अच्छा, सारे टीयर्स भी ऐसे ही देखिए, कुछ चीजें कॉमन है ना, अगर डिसीजन मेकिंग, हाँ डिसीजन मेकिंग होंगे फिर उसके इजलास होगा। देखिए ना, बिजनेस है ना, काउंसिल के बिजनेस रूल्स भी तो होते हैं ना, वो हर जगह जो इजलास होता है फिर उसके मीटिंग्स भी मिनट्स भी। आपको पता, हम भी अपने जो करते हैं उसके बाद जल्दी से करते हैं, फिर हमारे मिनट का जो रिकॉर्ड है वो हमें रखना होता है, मिनट और मीटिंग के उसमें क्या क्या बातें हुई, क्या फैसले हुए, ये सारा रिकॉर्ड होगा। फिर उसके बाद पब्लिक, अच्छा जी, फिर उसके बाद पब्लिक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अब बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव, मेरे मुझे राइट है कि मैं जाके काउंसिल में जाके कहूँ कि भाई मुझे ये जो इजलास हुआ है मुझे इसके मिनट्स चाहिए, मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें कौन कौन से फैसले हुए। तो ये राइट, मैं राइट इन्फॉर्मेशन कहते हैं जो अपनी एप्लीकेशन दूंगी, ठीक है, और जिसके नतीजे में मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे ये प्रोवाइड किए जाएंगे लोकल काउंसिल में। ठीक हो गया, उनको तो कॉपी मिल जाती है, लेकिन मैं शहरी, मुझे तो नहीं ना पता, लेकिन मैं लेना चाहूँ, अच्छी बात है, मिल जाती है, लेकिन ये राइट बात होती है, कुछ अपने आप को अखड़पन शो करने के लिए करते हैं ऐसे। सहिला की बात बिल्कुल भी ठीक है कि जी ये हमारा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ये हमारे अंदर के फैसले हमें ही देंगे, तो ये ऐसी बात नहीं है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हमें राइट इन्फॉर्मेशन के तहत ले सकते। थोड़ा सा अब लोकल काउंसिल फाइनेंस और जो एक्टिविटीज हैं, जो अब लोकल काउंसिल, जो लोकल काउंसिल का जो फाइनेंस और वो जो एक्टिविटीज वो कर रहे होते हैं, और उन एक्टिविटीज के लिए जो जो मालियाती एलोकेशन होती है, फंड की जो होती है, अब उनका ऑडिट और स्क्रूटनी भी होता है, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और वो अब हमने कहा था ना कि ये हुकूमत जो है हमारी, मुकामी हुकूमत जो है आजाद तो है अपने फैसलों में, लेकिन अपने ज्यूरिडिक्शन में फैसले साजी की उन्हें, उनको पूरे अख्तियार है, लेकिन ये आगे ऊपर किसी को जवाब दे दिया, चूंकि मुकामी पंजाब हुकूमत की तरफ से फंड भी आ रहे हैं, ग्रांट भी आ रही है, पीएफसी भी आ रहा है, प्लान होगी, ठीक है, उसके अगेंस्ट फिर वो कुछ बजट भी तैनात होंगे। और सबसे अहम बात कि ये जितनी प्लानिंग्स होंगी, जितनी भी प्लानिंग्स होंगी, सब में जो सबसे अहम रोल है वो क्या है इस हुकूमत का, जिसमें वो क्या करते हैं, हुकूमत का होना जरूरी है सबसे ज्यादा। आपके डोर स्टेप तक आपको पहुंचना है, और किसकी शमूलियत होनी चाहिए? मुकामी हुकूमत में जितने भी इजलास होते हैं, तो डिसीजन होते हैं, उसमें किसकी शमूलियत होती है? ये चार पांच चीजें आपकी फिंगर टिक करनी चाहिए। मुकामी हुकूमत है वो, ये अवामी मुकामी सतह पे हुकूमत है, जिसमें अवाम की शमूलियत यकीनी बनाई जाती है। फिर इसमें अब इनके अवामी मुकामी हुकूमत के बुनियादी काम क्या है कि उन्होंने प्लानिंग करनी है, डेवलपमेंट करनी है अपने मुतलका इलाकों की। ठीक हो गया, फिर उसके बाद क्या था हमारा, म्यूनिसिपल सर्विसेज का था, और म्यूनिसिपल सर्विसेज के क्या था, सोशल वेलफेयर।
ठीक है, और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इनके पास होती है, फिर इनके तमाम काम जो होते हैं उसको जो मामलात है उन, फिर ऑडिट होता है इनका, चेक एंड बैलेंस है, निगरानी है। निगरानी किसकी होती है? सुबाई हुकूमत की। जो सुबाई हुकूमत है ना वो मुकामी हुकूमत को अपनी निगरानी में रखती है, ठीक है ना। एक बच्चे को आपने खेलने के लिए थोड़ा सा घर से बाहर तो निकाला, लेकिन आप पास खड़े होते हैं। अब बच्चा गली में खेल तो रहा होता है, आजादाना खेल रहा होता है ना, अपनी मर्जी से मूवमेंट कर रहा होता है, इधर गया उधर जाना है, उसने जंपिंग कर ली, कुछ कर लिया, लेकिन वो होता क्या है कि वो हमारी निगरानी में, हम पास होते हैं। अगर उसके साथ कोई मसला कुछ हो जाए तो हम फौरी टेक ओवर करते हैं। ठीक है। अच्छा ये हम आगे स्लाइड करते हैं। अच्छा ये था ये भी हमने कर लिया, सिक्योरिटी एंड सुप्रीम ऑडिट इसका होगा। अच्छा सुपरविजन ऑफ द ओवर द काउंसिल, ये थोड़ा सा ना जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा, कि ये मतलब विजिबल हो जाए सबके लिए ना। अच्छा जी, जैसे हमने सुपरविजन की बात की, तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो तमाम मामलात जो है उसकी सुपरविजन वो करेगी, क्योंकि देखिए मुकामी हुकूमतें बनाने का इख्तियार दिया गया सूबों को, तो जिसके पास इख्तियार होता है फिर अपना इस्तेमाल अपने तरीके मर्जी से करता है ना, अपने तरीके से किया। अब उसने मुकामी हुकूमत बना ली, इख्तियार उसको मिल गया, लेकिन अब जो मुकामी हुकूमत जो जिम्मेदारियां अदा करेगी, जो रोल प्ले करेगी, उन तमाम कामों का चेक एंड बैलेंस जो है वो निगरानी पंजाब हुकूमत करेगी उसकी। वेरी सिंपल, समझ आ गया ना, ये आसान अल्फाज है। अच्छा जी, अब उसमें क्या है, क्योंकि अब वो क्यों सुपरवाइज करेगी, जब वो इख्तियार दे रही है अपने अपने इख्तियार मुकामी सतह पे वो दे दिए जा रहे हैं, फिर ना सिर्फ इख्तियार दिए जा रहे हैं बल्कि वसाइल भी दिए जा रहे हैं। तो जब पंजाब हुकूमत अपने वसाइल मुकामी सतह पर देगी तो उसका उसको फिर वो सुपरवाइज भी करेगी। अच्छा फिर इसी तरह लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अब हुकूमत जब चलनी है तो हुकूमत अहमद मतलब सिर्फ नुमाइंदे ही तो सारा कुछ नहीं ना करेंगे, अब उसके सपोर्ट के लिए फिर जो अदारे हैं वो भी इन मुकामी हुकूमतों को दिए जाएंगे कि जी आप इनसे अपने ये जो मुतलका काम है आप उनसे ले सकते हैं। तो ये जो मुकाम अदारे भी होंगे ये भी अपनी जो कम्युनिटी है उनके नीड्स को पूरा करने के लिए जो है मुकामी हुकूमतों में हम किरदार अदा करेंगे। अच्छा जी, अब प्रोविंशियल ऑडिट डिपार्टमेंट, अब प्रोविंशियल ऑडिट डिपार्टमेंट ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्डर होता है, ऑडिट होगा ठीक है। अब जो 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 सूबाई हुकूमत है ये फिर इस मुकामी हुकूमत के एंड पे क्या करेगी कि उसका ऑडिट करेगी, और वो ऑडिट जो होगा वो एक्सटर्नल ऑडिट होगा। मतलब एक तो होता है ना कि एक ये हम अदारे में बैठे हैं तो अदारे के अंदर के लोग बैठ के कार्य नहीं, वो मुकामी हुकूमत से बाहर मतलब पंजाब हुकूमत जो होगी ना सूबाई हुकूमत वो ऑडिट करवाएगी, ठीक हो गया। और वो ऑडिट किस चीज का होगा कि भाई जो जिस स्कीम के लिए जिस काम के लिए हमने इनको पैसे दिए थे, माली ग्रांट्स जो हमने इनको दी थी उनका इस्तेमाल इन्होंने किस तरह से किया, ठीक है ना। जिस काम के लिए जो वसाइल जहां एलोकेट करने थे वो हुए, जो रिजल्ट हमें मिले थे वो उसके नतीजे मिले कि नहीं। फर्ज कर रहे हैं लाहौर में हमने वो जो है ये चलो जी मुगलपुरा में हमारा हमने एक फ्लाई ओवर बनाना था, ठीक है, वो 1.5 साल में तामीर होना था, उसके लिए हमने 50 लाख का बजट रखा, ठीक है। तो अब ये पंजाब हुकूमत उसका जब ऑडिट करेगी वो देख, अब ट्रांसपेरेंसी उन्होंने बिल्ड अप करनी है सारी चीजों से, अभी हमने देखा ना कि क्वालिटी भी चेक करेंगे, तो उसने देखना है कि जिस मकसद के लिए 50 लाख एलोकेट हुए वो काम हो गया, और जो मुतयना मुद्दत कही गई थी उसमें हुआ, फिर उसके अलावा वो जिस क्वालिटी का होना चाहिए था क्या वो उस तरह का, मतलब तमाम पैरामीटर्स जो भी उनके ऑडिट के होंगे उसके मुताबिक वो उसको उसका ऑडिट करेंगे। अच्छा जी, अब ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है पंजाब असेंबली की, ये भी ओवरसीज करेगी यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, मतलब वो जो पब्लिक फंड होंगे उनका इस्तेमाल जो लोकल मकामी हुकूमत ने किया होगा उनको अकाउंटेबल करने के लिए, उनके जो फाइनेंशियल डिसीजन जो उन्होंने अपने जो मालियाती डिसीजन लिए थे, यदि फलां सेक्टर के लिए हमें इतना इतने पैसे चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम हमने इम्प्रूव करना तो हमें वहां पे 20 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। अब वो देखेंगे जहां इन्होंने 10 लाख रखवाए जिस का मकसद के लिए, जहां 20 लाख रखवाए तो वो जो जिस मकसद के लिए रखवाए क्या वो पूरे हुए हैं। तो इन चीजों जब ये ऑडिट होते हैं तो फिर जब चेक एंड बैलेंस होता है तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एहतसाब का अमल और जो शफाफियत है ना वो बेहतर होती है, क्योंकि जब वो जो परफॉर्म करते हैं बन रही थी तो वो सेहत और एजुकेशन का जो फंड था
वो उस प्रोजेक्ट की तरफ डाल दिया गया था। मैं आपको यही बताने लगी थी कि जब मेट्रो बन रही थी ना यहाँ पे लाहौर में मेट्रो बन रही थी, तो हमारे कुजरांवाला में एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि मुझे तो वहां से इन्फॉर्मेशन मिली, कहते हैं जी एजुकेशन डिपार्टमेंट का फंड आया था हमारे पास, हमें जो दिया गया लेकिन हमें बाउंड कर दिया गया कि आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो सारे का सारा फंड कहाँ जाना था, ये मेट्रो 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 में होना था। इसी तरह जब हमारे उधर फ्लाईओवर भी बन रहे थे ना, तब भी बजट एलोकेशन होती रही मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, लेकिन ये था कि उन्हें थोड़ा सा पाबंद कर दिया गया कि इस बजट को आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जरूरत पड़ने पर जो फ्लाईओवर बन रहे हैं यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अच्छा, कुछ हुकूमतें जो है ना वो कुछ इस तरह खर्च करती हैं, इस तरह के वो स्कीम प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, वो दिखने में डेवलपमेंट ही होते हैं ताकि लोगों को नजर आए। अब कोई ये नहीं कहता कि हम कुछ स्कूलों पे खर्च कर रहे हैं, हेल्थ की सहूलियात पे करते हैं, क्योंकि वो इतने विजिबल नहीं होते, उनके रिजल्ट इतने फिर फोर नहीं आते। तो ये जो फ्लाई ओवर बन गए, गलियां बन गई, सड़कें, ये फिर फोर लोगों को नजर आते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हर 2-3 किलोमीटर के फासले पे एक सड़क जरूर बननी शुरू, एक टोटा बनाना वो शुरू कर देते हैं जी, ट्रैफिक रोक दी जाती है, ठीक है, छोटा सा खड्डा भी पानी है खेड़ के उसे को बना रहे, अच्छी बात है, सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन अब क्यों ये सारे काम एकदम से स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अब आवाम की सहूलियत का ज्यादा ख्याल है कि लोग सफर करते हैं, अच्छी बात है, हो जाए इम्प्रूव हो जाए, लोगों का ट्रेवल आसान हो जाए, लेकिन अब ठीक है ना, क्योंकि वो विजिबल है, लोगों को नजर आने, जहाँ तख्ती लगेगी या वैसे नजर आएगी फलां काम हमने कराया, फलां हमने कराया, ठीक है। अब स्कूल में कौन सी तख्ती लगनी है जाकर, अस्पताल में अगर कोई वार्ड वार्ड इम्प्रूवमेंट, हाँ ठीक है, उनकी वो एक लग जाती है वो स्लिप सी, लेकिन वो फिर जो अंदर विजिटर होते हैं जाते हैं तो फिर पता चलता है, वैसे तो ऐसी जगह तो पब्लिक वाला होता है। हाँ जी, ये अच्छा, फिर उसके बाद जो होता है जी उम्बर्स उम्बर्स मैन, ये भी एक माशाल्लाह हमारी एक अथॉरिटी है जी, फिर एहसास जान पे ये भी हिसाब किताब लेती है जी, इन्होंने कितना मिस यूज किया, कितने इन्होंने रूल रेगुलेशन पे अमल दरामद नहीं किया, ये सारी चीजें आगे की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का किसी ने कोई नाजायज फायदा तो नहीं उठाया, ये उमर्स मैन ने फिर इसका जो है ना वो हिसाब किताब लेना होता है, पावर का को गलत इस्तेमाल तो नहीं किया, ये सारे मोहतसब मोहतसब हमारे जैसे तो खातून मोहतसब है ना, इसी तरह मोहतसब का अदारा है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज, अच्छा अभी हम बार बार वो बात कर रहे हैं ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब एक मालियाती मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि हमारे पास अब देखे ना हमारे पास 5 लाख रुपए है, ठीक है, अब हमने उन 5 लाख रुपए को इस तरह से खर्च करना है कि हमारी हमारी बुनियादी जरूरियात भी पूरी हो, ठीक है, और वो 5 लाख लगे अगर नजर भी है कि वाकई ये पैसे खर्च हुए हैं, जैसे अभी हमने बात की, जब अगर एक इलाके में वबा फैल रही है, बच्चे डायरिया हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि वहां पर पानी जो है ना गंदा पानी है, पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही है, डेंगू जैसे हो रहा है, डेंगू भी फैल रहा है, अच्छा अब इलाके में बीमारियां बढ़ रही है, ठीक है, उसकी वजह क्या है कि पीने का साफ पानी नहीं है। अब एक तरफ एक जो हमारे चेयरपर्सन है उनको नजर आ जाता है कि ये जो सड़क है, ठीक है, इसका भी थोड़ा सा टोटा जो है ना वो कारपेट रोड है, तो थोड़ा सा कारपेट वो उखड़ने लग गया, तो अब वो अच्छा और मैं अगर ये बनवाता हूँ तो मुझे उसमें से मार्जिन ज्यादा मिलेगा, अपना हिस्सा मेरा ज्यादा होगा, उसमें से उसे क्या मिलना है, सब ये है कि वसाइल की एलोकेशन जो 5 लाख रुपए है ना, अब हमने इस तरह से खर्च करने का रैशनल वे होता है ना, हम घरों के खर्चे चलाते हैं, अब हम सब की किसी की आमदनी को इतनी ज्यादा तो है नहीं कि 1 करोड़ रुपए हम महीने का कमा रहे हैं और खर्चे जो हो हमारे वो शायद 80,000 के हो, फिर तो बड़ी मौजे हैं, लेकिन अब देखें घर के अखराजात टोटल बन रहे हैं जी 70-80 हजार के अखराजात हैं, तो हम कमा 1 लाख रुपया रहे हैं या खर्चे हमारे 1 लाख रुपए हैं, क्या आमदनी हमारी 17,000 रुपए की है, तब हम क्या करेंगे, फिर हम अपने सबसे पहले क्या देखेंगे, अपने वसाइल का इस्तेमाल फिर हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम जो बुनियादी चीजें हैं ना कि जिनके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है, सबसे पहले हम उनको फोकस करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद वो उन चीजों को फिर हम सामने रखेंगे कि चले वो बहुत जरूरी है लेकिन चले थोड़ी सी बहुत ज्यादा जरूरत से थोड़ी सी कम जरूरी है,
फिर उसके बाद हम वो जो कहते हैं ना वो ग्लैमरस की तरफ, ताशियात की तरफ, फिर हम उनकी तरफ बाद में आएंगे कि ये फिर हम उनकी तरफ आएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि इंसान ने अपनी वो जो है ना, सॉरी ये मैं कि अपने उन चीजों को उसने देखना होता। तो इसी तरह जब हमारे वसाइल जो हमें पंजाब हुकूमत की तरफ से जो ग्रांट मिलती है, ठीक है, फिर हमारी अपने कुछ जो इनकम है, ठीक है, तो फिर हमने अपने वसाइल का इस्तेमाल अपने वो जो हमारे पास मालियाती जो हमारे पास एक असिस्टेंट है उसको हमने इस तरह से एलोकेट करना है ताकि हमारी वो वसाइल का ज्याबी ना हो, ठीक है, और जो हमारी बुनियादी जरूरियात है हमारी वो भी पूरी हो ताकि एक जो जिंदगी का तसलसल है ना वो चले। ये होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मोबिलाइजेशन। अब इस लोकल गवर्नमेंट का ये जो एक्ट है, अब इसने मुकामी हुकूमतों के इख्तियार है कि वो टैक्स की वसूलियां करे, टैक्स खुद मुतय टैक्स रेट खुद तय करे, कुछ फीसिस कुछ चार्जेस जो भी मुकामी सतह के हैं वो खुद तय करें और वो वसूल करें। ये उनकी एक इनकम है, ठीक हो गया, ये उनकी आमदनी होगी। अच्छा अब वो किसकी सूरत में है, वो चार्जेस की शक्ल में लो। अच्छा फिर जो मुकामी हुकूमत की आमदनी क्या होती है, एक तो उसकी अपनी वसूलियां जो उसकी अपनी आमदनी होगी मुकामी सतह पे जो उसने अपनी ताकत हिम्मत की बेस पे कर ली, एक उसको मिलेगी ग्रांट वो जो रेवन्यू सूबे की सतह पे इकट्ठा होता है वहां से उसको एक हिस्सा मिलेगा, ठीक हो गया। फिर वो जो हमारी मुकामी हुकूमत की सपोर्ट के लिए ताकि ये खुद मुख्तारी से अपने तमाम अफाल सर अंजाम दे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने हैं, कम्युनिटी नीड्स को पूरा करना है, उसके लिए फिर एक जो होता है पंजाब कमीशन पीआरसी, ठीक है, फिर उसमें से एक तयशुदा फार्मूले के तहत सूबों को वो हिस्सा मिलता है, ठीक है, सूबे फिर आगे मुकामी हुकूमतों को वो हिस्सा देते हैं, ठीक है, तयशुदा फार्मूले के तहत देते हैं, तो वो हर एक उन्होंने मुतय्यन किया होता है। और इसके अलावा फिर हमें कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कोई इमदाद आ जाए, फिर हमारे वो जो हमारे लोन वगैरह होते हैं ये सारा कुछ हमारी आमदनी का वो ये फाइनेंस का वो हिस्सा होते हैं, ठीक है, और दीगर रिसोर्सेज होते हैं। अच्छा जी अब है जी टैक्सेशन, ये वही टैक्सेशन की जो बात हमने की, वाटर टैक्स हो गया, प्रोफेशन प्रॉपर्टी टैक्सेस, लाइसेंस एडवर्टीजमेंट जो वो देते हैं हमें होर्डिंग बोर्ड के, हाँ जी ये सारी इनकम हो गई। अच्छा जी प्रिंसिपल लोकल टैक्सेस के जो प्रिंसिपल, आप देखे ना हर चीज का कुछ असूल होते हैं। अच्छा आपने अपनी हुकूमतों में, अपने दौरे हुकूमत में आपने कभी कोई इस तरह का कोई वर्क होते हुए देखा होगा, टैक्स किस तरह से वसूल किया जाता है? बिजली के बिलों में डाल दिया, बिजली के बिलों में नहीं डाल नहीं, नहीं। देखिए वो बिल जो है ना बिजली का बिल, वो बाकी जा रहा, हम तो लोकल सतह के हैं ना, लोकल टूल चार्जेस आ जाएंगे इसमें हमारे, वो बिल बोर्ड में कराए, जो सिविल रजिस्ट्रेशन होती है, बर्थ सर्टिफिकेट इनकी फीसेस वगैरह। ये तो अर्जदार वगैरह लगे होते हैं उनकी। अच्छा अब ये लेने का क्या तरीकेकार होना चाहिए? वहां स्टॉल लगाते हैं वहां से लेते हैं। नहीं टैक्स कैसे हम वसूल, चलो वो तो कुछ हो गया ना वसूल, हम टैक्सों की बात कर रहे हैं कि हम टैक्सों की वसूली है वो किस तरह से की जाए। वो बलदयापी इदारा जो है ना उसके अंदर मतलब वो तायनात हैं, जो वर्कर हैं एज वर्कर उनके जिम्मे लगाया जाता है कि ये जाके लेके आए, तो वो इस चले नहीं वर्कर नहीं होते, ये बोर्ड लगाया जाता है मुझे बताएं फिर लिखा जाता है वर्कर से मुराद क्या है। वर्कर मुराद मैं अपनी यूनियन काउंसिल पे मैं वो 60 में रहती हूँ जी, मैं को मुलाजमत भी करती हूँ, तो मैं वो टैक्स वसूल कर सकती हूँ? नहीं 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 मुकामी हुकूमत का कौन वसूल करेगा? जी जी टोल प्लाजो पे टैक्स गाड़ी जाते खुद ही दे रहा है, एमपी आके तो टोल प्लाजो पे है, तो ये सैनिटरी करेगा यूनियन काउंसिल का सही। यूनियन काउंसिल एक मिनट मैडम फरजाना फौजी, सॉरी फौजी आप यूनियन को अक्सर ठेका दे दिया जाता है, हां सालाना ठेका दे ठेका दे दिया जाता है, जैसे लोकल सड़कें होती है वहां पे जाते हैं तो सालाना ठेका दे के, तो वो वहाँ ठेकेदार मैडम जी, ये जो टैक्सों की वसूली जो होती है वो कौन सा जो है ना ये मुकामी हुकूमत नहीं करना है,
अच्छा अब उसके लिए कुछ असूल है, वहाँ पे कॉन्सर्ट भी चले जाते हैं जैसे बिल्कुल। अगर वो अपने यहाँ पर किसी को भिजवाए, लेकिन ये जो कॉन्सर्ट है ना उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये चीजें आती है, अच्छा अब ये देखें अभी हम मैनर्स कुछ टैक्स वसूलियों के कुछ मैनर्स हैं कि एक तो ये कि हम अपनी वसूलियां कैसे बढ़ा सकते हैं ना। अब ये है कि लोगों को टैक्स नेट में लेके आया जाए। अब टैक्स नेट बढ़ाने के लिए अगर 10 लोग टैक्स दे रहे हैं, अब हम चाहेंगे 50 लोग टैक्स दे, एक यूनिट को फर्ज कर रहे हैं, अब वो जो हम 10 से 50 तक हमने फिगर लेकर जानी है अपनी, ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें कुछ ना कुछ सहूलियात तो देनी पड़ेंगी ना, सहूलियात तो देनी पड़ेंगी ना, ये ताकि लोग अट्रैक्ट हों अपने शहरी, बतौर शहरी अपनी जिम्मेदारी को समझे कि ये टैक्स देना हमारी, क्योंकि हम शहरी हैं पाकिस्तान के, तो हमें ये टैक्स हर हाल में देना है। तो अब ये आता है कि उसको शहरियों को थोड़ा सा आसानियां पैदा की जाए। अब आसानियां पैदा कैसे होंगी कि ये जो टैक्स देने का जो वो जो पैरामीटर्स वो बनाए वो सबके लिए जैसे हों, ये ना हो कि एक कुछ लोगों के लिए बड़ी वो अप्रोचेबल चीजों के आराम से जाके टैक्स जमा कराए और कुछ लोगों के लिए मसाइल हो। तो सिस्टम एक, एक अच्छा अब आपने एक सुना होगा इक्वल, एक होता है इक्वल, ठीक होता है, एक होता है इक्विटी, बराबरी, इक्वल और इक्विटी में क्या फर्क है, बराबरी जी, बराबरी, एक बराबरी, बराबरी जी, और इक्वल का क्या फर्क, इक्वल क्या है, बराबरी, बराबरी हमारे पास जो है ना एक, चले हम खाने की बात कर लें, हमारे पास एक रोटी है, ठीक है, अब इक्वल था ना कि दो लोगों में इक्वल तकसीम होगी, दोनों में आधी आधी, ठीक है, ना एक ही सौ पर ना एक नीचे, चाहे इंच टेप से ना आपके काट ले, एक बात हो गई। अच्छा अब एक होते हैं कि किसी एक बंदे को ज्यादा भूख लगी है, ठीक है, अब उसे ज्यादा चाहिए, तो एक दूसरा कैसे चाहिए, दूसरे को ऊपर लाने के लिए, अब बात है कि किसी और को ऊपर लाने के लिए उसे थोड़ी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, एक को तो चलो थोड़ी काम बराबर के हकूक हो गए, एक होता है किसी को प्रिविलेज, अब देखो हम हवा तीन है ना, तो वर्कर हवा तीन है, अब इनको थोड़े प्रिविलेज दिए गए हुए हैं कि अपने जो मुलाजम पेशा हवा तीन है, ठीक है, अब इनको कुछ प्रिविलेज मिले हुए हैं, वो भी वर्कर है, लेकिन जैसे मैटरनिटी बेनिफिट, ये प्रिविलेज दिया गया है कि उनको मैटरनिटी की जो छुट्टियां हैं तनख्वाह के साथ मिलती हैं, तो एक तो समझ आ गई ना कि किसी को ऊपर लाने के लिए थोड़ी सी ज्यादा सपोर्ट की जाती है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो टैक्स लोकल टैक्स कलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, ये डिस्क्रिमिनेटरी सॉरी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, उसमें कोई तजाद ना हो, सबके लिए एक जैसा हो, ठीक है। उसके बाद आता है जी फिर उसमें प्रोपोर्शनल तय करें कि कौन कितना टैक्स पे कर सकता है, ठीक है ना, अब ये ना सबके लिए एक जैसा, अब उसमें देखना एक सरमायादार है, सरमायादार इंसान है, अगर उस पे अगर 50,000 का टैक्स लग गया है वो तो आराम से दे भी सकता है। अब बताएं अब हमारे जैसा कोई मतलब एक नौकरी करने वाला बंदा वो इतनी इतने अमाउंट में टैक्स वो नहीं दे पाएगा, ये उतने हम पैसे वाले नहीं है। तो टैक्स नेट जो होता है एक उसमें तनासब तय किया जाए कि वो और हर किसी की एबिलिटी की बुनियाद पर जो है ना उसे टैक्स लिया जाए, ठीक हो गया। अच्छा फिर ये टैक्स में अब ये टैक्स की जो कलेक्शन है ना, अब इस तरह से हो कि उसमें ज्यादा पैसे खर्च ना हो, अब फर्ज करो टैक्स हमें इकट्ठा हो रहा है, हम इकट्ठा कर रहे हैं कोई हम उस पे कोई 1,00,000 रुपया हमें टैक्स हो रहा है, तो 50-60,000 रुपया हम उस पे उसकी कलेक्शन में खर्च कर दें तो हमें क्या फिर फायदा होना है। अच्छा जी फिर उसमें अच्छा और दूसरा ये कि टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन ना, मतलब उसे सहूलियात दी जाए कि ठीक है आप ऑनलाइन जमा करा दें, ठीक है कोई ऑफिस में आके जमा करा दे, नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन जमा करवा दें, मतलब मुख्तलिफ उन्हें सहूलियात दी जाए कि जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर है उनको इतना सफर ना करना पड़े, उनको टैक्स देना जो है ना वो इतना वो बर्डन ना लगे कि एक जी हम टैक्स दे रहे हैं, दूसरा हमारे लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी गई कि कभी ये करो कभी वो करो। तो जितनी मैक्सिमम सहूलियात आप टैक्स पेयर को दोगे उतना आपका जो टैक्स नेट है वो बढ़ेगा। क्लियर हुआ ये? हाँ जी मैडम सारिश, हाँ
अच्छा जी, अब हम आते हैं अगली की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ लोकल टैक्स। अच्छा जी, अब लोकल फंड की यूटिलाइजेशन, ये सब बात है। अब हमने अपने लोकल फंड हमें मिल गए, हमने कहा ना हमारे पास मुख्तलिफ अपनी मुकामी हुकूमत की अपनी आमदनी भी है, हमें सूबाई हुकूमत की तरफ से भी मिल गया, कुछ हमें ग्रांट्स मिली हैं, कुछ हमें लोन मिल गए हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास कुछ फंड इकट्ठा हो गया हुआ, अब हमने उनका जो इस्तेमाल है वो किस तरह से करना है, किस तरह से करेंगे कि हमारे इस्तेमाल की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। अच्छा जी, अपने अपने पेपर पकड़ लें, पेपर पकड़ लें, पेंसिल नहीं है, पेंसिल नहीं है, पेंसिल इधर ही होगी, नहीं इधर लेके। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि वो अब आप इसमें जवाब लिखना है, क्वेश्चन है कि लोकल फंड का किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा कि जिसका उसकी उसका जो इस्तेमाल है वो मैक्सिमम हो, उसके नतायज जो है वो मतलब उसका आउटकम बहुत अच्छा हो। क्या दोबारा क्वेश्चन जरा प्लीज। ये लोकल फंड है हमारे पास 50 लाख रुपया, अब हम उसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हर कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए है, ठीक है। उनका बस अब अपने घर को सामने रख लेना कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपने लोकल फंड्स का इस्तेमाल किस तरह से करें कि उसकी यूटिलाइजेशन जो है ना उसका इस्तेमाल से ज्यादा लोगों को फायदा हो, जिसका फायदा सबसे ज्यादा हो, आवाम को मद्देनजर रखकर चीज को ज्यादा जरूरत है। आप बनाए ना, लिखे तो सही ना कि हम उनका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, 1 2 3 पर जो भी जहन में आता है वो करें। ये अभी हम सारा डिस्कस कर रहे थे एक दो पॉइंट इसके बनते हैं, बड़ा आसान जो आप है इसका कोई ऐसा मसला, लेकिन यह कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आप अपना दिमाग इसमें लड़ाए कि हम क्या, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे, आपने परफॉर्म करना है जाके, आपने इसी तरह चीजों को प्लान होना है। बताओ क्या चुनाव को आपकी हुकूमत ने जो मुकामी हुकूमत बनाई थी ना उसने यही कुछ करना, इसकी शिकायत अब अपनी हुकूमत से करें जिन्होंने वो लॉ बनाया था, इसको लेकर आए यूसी में फंड नहीं मिले, हफ्ता के पहले हमने सिलाई मशीनें वगैरह। चलिए मैडम, वो बात है, आप जरा इसको फोकस करें, अपने अपने हिसाब से लिखें जी। मैडम सैरिशब, आपसे स्टार्ट लेना हमने, सबसे पहले बहन जी आवाम के इस्तेमाल के लिए पैसे, एक मिनट ज्यादा लोगों को फायदा हो, आप क्या कैसे प्लान करेंगे, एक प्लान करेंगे जो सबसे जी सैरिश में जो आप से उनके मसाई पूछेंगे। अच्छा जी, किम से मेम्बरान चेयरमैन है या जो भी बड़ा है वो मेम्बरान से हाउस से अपने मसाई पूछेगा। अच्छा, अवामी मसाइल पूछेगा, उसके मुताबिक तमाम मेंबरान को इस तरह से खवातीन को या अच्छा सारे गौर से सुने ना वो जो कह रहे हैं जी, खवातीन को मेंबरान को उनका हो गया, उसे पूछ लिए मसाइल पूछ लिए, उसके बाद बजट भी बनाना होता है, जाहिर है बजट मसाइल को पूछ के बजट बनाएंगे। अच्छा, मसाइल पूछ के फौरन मसाइलों के लिए हमने बजट बना दिया, नहीं नहीं बजट तो मसाइल पूछेंगे ना, मतलब आप बैठ जाए, आपका एक पॉइंट आ गया, नहीं अब आप बताएं बैठ जाए ना, अगला अगला और बात है ये बता करेंगे। आप अपने जहन में पहले बजट का खाका बनाए कि कितना खर्च होगा। अच्छा, उसके बाद उसका खर्च करेंगे, लेकिन खाका तो बजट का तब बनेगा ना जब सबसे पहले आप उससे पहले भी कुछ तय करना है, फिर उसके बाद हम उसका बजट देखेंगे, मनसूबा बनाएंगे। हाँ, मनसूबा फिर हम क्या करेंगे, उससे पहले भी कुछ करेंगे, उससे पहले भी एक चीज है ये मसाइल पूछने के बाद जी। फौजिया, काफी मसाइल होते हैं हर जगह। हाँ, एक हम घर में हमारे पास 100 रुपया है, हमने हांडी पका दी। हाँ, उसी मिसाल के तौर पे तरजीह हमारी क्या होनी चाहिए कि उसका एग्जैक्टली तरजीह हम समझ ले सर जी। हाँ, कहाँ तय करेंगे कि हमने अपने मसाइलों की तो लिस्ट आ गई ना सामने,
फिर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने किन को फोकस करना है, ठीक हो गया, किन को फोकस करना है, तरजीह आपका करियर हो गया, फिर उसके बाद जहाँ जरूरत, फिर हम अपनी जिन चीजों को हम फोकस करेंगे हम इन मनसूबों इन चीजों को पहले इन मसलों को हम पहले हल करेंगे, ठीक हो गया। पानी पीने का मसला पहले हल हो गया, किसी जगह स्ट्रीट लाइट नहीं है, क्राइम बढ़ रहे हैं, उसकी वजह के जराइम बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए जी जी आपका पॉइंट रहा, अगला पॉइंट, हाँ जी आगे तब जी आज का तयन हो गया, उसके बाद मेडिकल का और हेल्थ पे थोड़ा सा काम करेंगे, रोड पैच वर्क है, ठीक है, फिर उसके बाद सिवरेज पाइपलाइन कहीं डलने वाली है उसमें इलाके की हमने तैनाती कर ली, हाँ जी, कहीं प्लांट्स, उसके बाद अगला पॉइंट पार्क्स में कहीं प्लांट्स लगाने, पार्क्स, चिल्ड्रन पार्क, चलो हमने डिसाइड कर लिया ना, ये होगी हमारी तरजीहात, ये हमारी तरजीहात का तयन जो है वो हो गया, ठीक हो गया, कि चिल्ड्रन पार्क बनाने हैं हमने, कोई सीवरेज के पाइप डलवाने हैं, सड़क बनानी है, स्ट्रीट लाइट लगवानी है, किसी जगह लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी का क्या हमने, सो व्हाट, ठीक है, ये हमारी तरजीहात का तयन हो गया, अब हमने सीवरेज की पाइप डलवानी है, फिर उसके ये हमने तय कर लिया जी सीवरेज की पाइप डलवानी, फिर उसके पे हम क्या करेंगे जी, हो दिया मनसूबा बनाएंगे, मनसूबा बनाएंगे, उसके बाद मनसूबा बना के क्या करेंगे, बजट बनाएंगे कि इस बजट में हमारा काम हो रहा है, तो बदला किसी और चीज को थोड़ा होल्ड करके पहले वाला जो काम इम्पोर्टेड है उसको करें, एग्जैक्टली, हमें यहाँ पे जब हम आते हैं ना, जब हमने का तैयार करना है ना, यहाँ हम चीज तय करेंगे कि सबसे पहले हमने किन चीजों को फोकस करना है जिससे अवाम कम्युनिटी जो है ना, मुकामी मुकामी जो सतह की जो अवाम है उसमें उनको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा फायदा किस में हो रहा है, फिर हम अपने बजट के एलोकेशन उसके लिए करेंगे, उस पर फिर हम अपने तरक्याती प्लान तैयार करेंगे, बजट एलोकेट करेंगे, उसे क्या होगा कि वसाइल का एसन तरीके से इस्तेमाल होगा, अच्छा एक तो हो गया बजट एलोकेशन होगी, अब उसका इस्तेमाल, अब वो इस्तेमाल किस तरह से होना है, जी जी, उसमें हम देखेंगे कि जो हमने बजट बनाया है और जो हमारा मंसूबा है उसमें कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट्स को अभी हम डिपार्टमेंट तक नहीं ना जाएंगे, अभी तो हम अपनी बैठे हुए हैं, हम फंड का मैक्सिमम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्या कंप्लीटली काम पूरा होता भी है, अच्छा एक तो अच्छा इसमें हमने एलोकेशन में हमने ये देखना है, एक तो हमारा के कम्युनिटी के नीड पूरी हो, ठीक है, इसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, और वो जो बजट जो फंड हम एलोकेट कर रहे हैं ना उस काम के लिए, नीड पूरी करने के लिए, उसमें बजट वो जो वसाइल है ना उनका ज्यादा नहीं हो, वसाइल जाया हो गए तो कम्युनिटी की नीड पूरी नहीं होगी, वसाइल का ऐसा तरीके से ऐसा तरीके से वसाइल का इस्तेमाल हो जाएगा तो इसका मतलब है कम्युनिटी की नीड सब पूरी होगी, ये वो चीजें हैं, अच्छा जी, अब सबसे पहले इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब ये आपके लिए बड़ा आसान है समझना, अच्छा जी सबसे पहले वो हमारे पास फंड आया कहाँ से, वो जो हमने कहा सुबाई ग्रांट्स आती हैं, उसके बाद जो ग्रांट उनकी पहले तो अपनी आमदनी सूबे की तरफ से जो टैक्स जो इकट्ठा होता है उसका हिस्सा मिला, फिर सुबाई ग्रांट्स आ गई, उसके बाद जो बैन अवी अदारे हैं उनकी तरफ से आ गया, फिर दीगर रिसोर्सेज कोई अल्लाह वास्ते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपने जो आमदनी होगी, अच्छा मुझे अच्छा सुने सुने अब आपने हमने जरा टाइमली चलना है, अब थोड़ा ना फोकस रहे क्योंकि अब ये चीजें बड़ी फोकस है, हम अपने डेविएट नहीं हो सकते, अपने ट्रैक को नहीं हम छोड़ सकते, 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप चला, फंड हो गया ना इस तरह से उनके मैं, अब उनकी एलोकेशन फंड कहाँ से आए वो हो गया, अब उनकी एलोकेशन जैसे हमने जैसे अभी हमने डिस्कस की, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इधर सबसे पहले प्रायोरिटी टू डेवलपमेंट, हम अपनी तरजीहात का तयन करेंगे कि हमने डेवलपमेंट कहाँ करनी है, ठीक हो गया, लोकल फंड वही, ठीक हो गया, उसके बाद है जी एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन,
मिसाइल का वही बड़ा मुनसफाना शफाफाना अंदाज में उनका इस्तेमाल, ठीक है, और वो इस्तेमाल क्या है कि फंड वही जो वसाइल हैं वो वहां यूज हों जिस मकसद के लिए उन्हें इकट्ठा किया गया है, वहां इस्तेमाल हो और बड़े ऐसे तरीके से इस्तेमाल हो कि उनका जिया ना हो और वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, सबको पता हो कि रिजवाना के एरिया में गली जो बन रही है उसमें कितने लागत जो है एस्टिमेट तहमीना जो उसका तैयार किया गया और कितने में वो बन रही है और जिस किस तरह से वो बन रही है उसकी क्वालिटी क्या है और कब तक वो खत्म होगी सारी डिटेल सबको पता हो, उसी तरह फंड उसी बजट में कर रहा है लागत के फंड कितना वो मिला भी है कि नहीं, पैसा ज्यादा हो लोग मुस्तफीद भी हो, फिर उसके बाद आ जाती है जी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, फिर उसका एहतसाब होगा और ये लोकल गवर्नमेंट जो है ना ये अकाउंटेबल है फंड के इस्तेमाल के हवाले से और उसे चाहिए कि वो अपना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखे और इसे सबमिट करने की वो पाबंद है, किसको उसकी रिपोर्ट देने की पाबंद है, सुबाई हुकूमत को, क्योंकि सुबाई हुकूमत से आ रहे हैं तो जाहिर सी बात उसने हिसाब किताब अपना लेना है, ठीक है, क्लियर हुआ ये सारा। देखिये पहले हमने सबसे पहले हमारी तरजीहात का तयन होगा, वो तरजीहात का तयन किस तरह से होगा, पब्लिक मुशावरत जब होगी सिटीजनशिप से, ठीक हो गया, फिर वो तरजीहात का तयन करेंगे, फिर वो अपनी प्लानिंग करेंगे, फिर वो अपनी उसमें बजट फंड एलोकेट करेंगे, फंड एलोकेट फिर जब होंगे तो फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी शफाफियत और जवाबदेही का अमल भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि और यही एक जो शहरियों की शमूलियत है ना, जहां जहां शहरियों की शमूलियत होगी वहां शफाफियत भी होगी, शफाफियत कैसे बिल्ट अप होती है कि उसमें जांच पड़ताल होती है, उसमें पूछा जाता है, सवाल जवाब होते हैं और ये बहसीते शहरी हमारा हक है कि हम अपने जो अवामी पब्लिक के जो अदारे हैं उनसे हम अपने कामों से मतलब मालूम ले सके, ठीक हो गया जी। अच्छा अब हम चलते हैं आगे, ये हो गया, ये होना है भी नहीं, ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा जी अब आ रही बात लोकल प्रॉपर्टी की, लोकल प्रॉपर्टी जैसे हमने डिस्कस की कि लोकल प्रॉपर्टी वो है जो मुकामी हुकूमतों के पास कोई हुकूमती जमीन है, कोई बिल्डिंग है, कोई गाड़ियां शाड़ियां हैं जिनके पहिए गायब हो जाते हैं, ठीक है ना, किसी का स्टेयरिंग जो है वो साइड पे पड़ा होता है उतर के, इन्हीं हालात में हम देखते हैं ना चीजों को, प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट सरकारी प्रॉपर्टी की हालात में होती है, वो पुलिस वाले का एक इंटरव्यू हुआ था जी, आप वो जो है ना क्राइम के हवाले से भी क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहे, वो कहता है जब तक हम अपनी बंदूक उठाते हैं ना ये मुजरिमों पे तब तक वो हमसे ना छह मिनट दूर जाते हैं और वो खुद ही छह मिनट टाइम लेते हैं साथी तब में जब सब कुछ खत्म हो जाता तो उनके बेचारे के पास जो सामान है गाड़ियां है तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, वो स्टार्ट होने में उसने इतना टाइम ले लेना, तो वो जो क्रिमिनल होते हैं उनके पास वेल प्रूव्ड और बड़ी इंप्रूव्ड किस्म के व्हीकल होते हैं, वो चंद सेकंड में जब तक उनकी चाबी घूम के गाड़ी क्या टट टट करती है ना स्टार्ट होने लगती है। अच्छा जी अब है जी, अच्छा अब ये जो प्रॉपर्टी है ना सबसे पहले ये है कि जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको मकामी हुकूमतों का काम है, ये जिम्मेदारी में शामिल है कि उनको वेल मैनेज्ड रखे, उनका हिसाब किताब रखे और उनका बेस्ट इस्तेमाल करे, कि जहां उसने इस्तेमाल होना है उसको इस्तेमाल करे, ठीक है, जितनी देर हो सकती है उसको करे, एक तो उसने हमें गले में पटा गले में रस्सा डाल के ना उसको खींचे, जैसे कम्युनिटी सेंटर्स हैं आप उनको फंक्शंस के लिए दे सकते हैं, बिल्कुल 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 उनका इस्तेमाल जो है ना वो ऐसे तरीके से किया जाए, ठीक हो गया। अच्छा फिर उसके बाद उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखेंगे, हमारे पास कितनी गाड़ियां कितनी बिल्डिंग है सरकारी, कितनी हमारे पास वो लैंड पड़ी हुई है, ठीक है, और उनको मिसयूज होने से उनका तहफ्फुज़ करें। अच्छा जी अब हम आते हैं जी जो हम प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का बात कर रहे थे ना, सबसे ये बहुत बड़े सपोर्ट है मुकामी हुकूमतों के लिए। अच्छा ये NFC होता है वफाकी सतह पे, अच्छा वफाकी सतह पर होता है NFC जो आमदनी होती है ना टैक्सों की, मतलब आमदनी किसी भी सूरत में टैक्सों की वसूली में या कुछ चार्ज को फीस को प्रॉपर्टी टैक्स ये वो सारे, अच्छा उधर से फिर ये मिलता है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन,
इसके पास सुबह की सतह पे हिस्सा आता है, फिर आगे ये सुबह जो है ना ये फिर हमारी लोकल गवर्नमेंट को अपने एक तयशुदा फार्मूले के तहत जो है ना मकामी हुकूमतों को वो हिस्सा देता है। और इसका मकसद क्या होता है, सुबह जो पैसे देता है उसका क्या मकसद होता है, उसको पीएफसी कमीशन जो कायम होता है सूबे की सतह पे उसका क्या मकसद है, कोई भी काम लोकल गवर्नमेंट की जो भी डेवलपमेंट के काम तो बड़े हैं, लेकिन इसका दो 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 चीजें हैं। हमारी बोले ना इसके आवाज नहीं आ रही, आप क्यों चुप बैठे हैं, आप मेरे पार्टिसिपेंट क्या, चलो इन्होंने तो फिर थोड़ी हिम्मत का की, बल्कि अच्छी हाँ से की हिम्मत थोड़ी नहीं की बहुत। हाँ जी, ये फाइनेंस कमीशन क्यों काम किया जाता है, ये हम थोड़ा डिस्कस भी कर रहे हैं। उससे आगे लोकल गवर्नमेंट के लिए वो सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, जैसे उनकी आती है तो कुछ चलो बैकग्राउंड उन्होंने बता दिया क्या होगा। हाँ चले हाँ जी इधर से कोई जी वेल एक्नॉलेज लोग बैठे हुए हैं इस टेबल पे, बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, ये देखिए दो टेबल लीडरों के हैं। आप ये सुबह से हाँ से बाहर चले बाजी आपको ना मैडम नसीम को हम अकेले टेबल पे बिठाए, मैंने तो बात की, मैंने तो बात ही नहीं की, मुझे पता ही नहीं खुद मुझे बुला के चले चले। ये हमारा ये पीएफसी अपना हिस्सा लोकल गवर्नमेंट को देता है ना, देखें ये जो है ना फाइनेंस कमीशन इसके तरफ से पैसे आए हैं मुकामी हुकूमत के पास, इसने फंड दिया है किस मकसद के लिए दिया है, ज्यादातर तरक्याती फंड अवामी लोगों के लिए, अवामी लोगों के लिए बोले बोले तरक्याती कामों के लिए गटर बनवा रहे होते हैं, दफा मोस्टली गटरों से थोड़ा ऊपर भी आ रहे हैं जो उन्होंने भी बातें की ना जो थी उन्होंने मफहूम सही बताया, ठीक है वो नाम सही नहीं जरा ले सके लेकिन उन्होंने बातें सही कही हैं। हाँ। इनकी भी बात है, इधर से भी आवाज आई थी जी चले जी सब माफ कर दें जी, फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए लोकल गवर्नमेंट की एग्जैक्टली और अच्छा एग्जैक्टली कोई ये दो चीजें हैं। देखिए जो हमें जो कुछ हमें इमदाद जो आती है ना जो हमें इमदाद दी जाती है उसमें ठीक है, अब हम ना थोड़ा सा गटरों नालियों से निकल सिर्फ गटर नालियों से फुली सपोर्ट है, इन्होंने सही कहा कि बड़ी ये फुली सपोर्ट है मुकामी हुकूमत के लिए कि वो खुद मुख्तार होके अपना जो मालियाती जो उनके वसाले उनकी मैनेजमेंट करे, ठीक है मालियाती तौर पे वो इंडिपेंडेंट हो अपने फैसले करे। दूसरी बात ये है कि वही डेवलपमेंट कि हमारे मुकामी हुकूमत में ज्यादा क्या आएंगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए ये हमारे पास हमें ये जो है ना ये हिस्सा जो है वो मिलेगा ग्रांट आएगी। अच्छा इनका ज्यादा मकसद ही ये होता है। अच्छा जी आप थोड़ा सा इसका भी स्ट्रक्चर देख लें इसका काम क्या जो है ना हमारा पंजाब का इस एक्ट के मुताबिक, अब जो हमारा फाइनेंस कमीशन जो है ना अब वो है जी चेयरमैन जो है ना इसके चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर है वजीर खजाना जो खजाना पे सांभाल के बैठे होते हैं वो वजीर सही बने। अच्छा अब दूसरे जो मिनिस्टर है ना वो को चेयरपर्सन होंगे, दूसरे मिनिस्टर कौन से हैं लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब हमारा जो है ना मुकामी हुकूमत है उसका वो है ये जो डिपार्टमेंट है लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये पूरा नाम है इसका डिपार्टमेंट। अच्छा जी मेंबर जिसके जो है सबसे पहले मेंबर है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है उसका सेक्रेटरी का मेंबर है, चार मेंबर्स होंगे इधर से पंजाब असेंबली से
हुकूमती मेंबरान होंगे और दो अपोजिट के होंगे, ठीक है, अपोजिशन के होंगे, चार एक्सपर्ट होंगे लोकल गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस इंक्लूडिंग, उसमें एक खातून जो है वो चार लोगों में जो चार एक्सपर्ट होंगे ना उनमें एक खातून भी शामिल होगी। अच्छा जी, सेक्रेटरी होगा जो सेक्रेटरी है प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है वो भी इसका मेंबर होगा, और इसके अलावा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट वो भी इसका इस कमीशन का मेंबर होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं अब उनके फंक्शन, वो जो अभी हम थोड़ा सा रिव्यू कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, अब इसके फंक्शन है, फंक्शन क्या है इसके, कि सबसे पहले तो वो डिटरमिन करेंगे कि जी जो कितना रेवेन्यू जो है, वसूलियां जो है वो मकामी हुकूमत को उनको देनी है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद रिकमेंडेशन आएगी, क्राइटेरिया आएगा कि जी किस क्राइटेरिया के तहत जो है ना हमने ये ग्रांट मुकामी हुकूमत को वो देने, वो क्राइटेरिया वो तय किया जाएगा कि आबादी की बुनियाद पे देनी है, कोई गुर्बत है तो उसकी बुनियाद पे देनी है, कोई उसमें बैकवर्डनेस है तो उसकी बुनियाद पे दें, सो डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी हर सूबे के हिसाब से। अच्छा, फिर उसके बाद जी फाइनेंशियल, वही बात आप जो भी आपने की कि सबसे पहले क्या किया जाएगा उनकी माली जो नीड्स है ना, जो है वो उसके तय की जाएंगे कि उनको कितनी जरूरत है, ठीक है, इसकी इनको रिव्यू किया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद रेकमेंडेशन जो है ना वो फाइनल वो उस पे आएंगी, फिर उसके बाद अच्छा वो उनकी जो है नीड उनकी उनकी तरजीहात का तय्यन करते हुए फंड इनके पास आ गए, जब फंड आ गए लोकल गवर्नमेंट के पास फिर उसकी यूटिलाइजेशन होगी, फिर जब यूटिलाइजेशन होगी तो फिर उसकी बकायदा मॉनिटरिंग भी होगी, ठीक है, और वो फाइनेंस कमीशन जो पैसा दे रहा है जारी सी बात है जिस मकसद के लिए वो दे रहा है वो पूछेगा तो सही ना, वो चेक एंड बैलेंस तो वो करेगा ना, क्योंकि मैंने आपको पैसे दिए थे इस काम के लिए तो आपने वो कहाँ खर्च किया। आप देखे ना हमारे एनजीओ सेक्टर में हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अब हम एक प्रोजेक्ट पे जब काम करते हैं हमें उसके पैसे मिलने हैं, स्टाफ हायर किया गया, एक्टिविटीज प्लान करते हैं, सेमिनार है, कॉर्नर मीटिंग को ग्रुप बनाते हैं, उनके अखराज ज्यादा हर एक्टिविटी के, तो जब प्रोजेक्ट वाइंड अप होता है तो उसके बाद मॉनिटरिंग होती है कि अब मॉनिटरिंग के सिलसिले में होती है कि जो प्रोजेक्ट करते वक्त जब प्लान किया था प्रोजेक्ट तो उस वक्त जो हमने ऑब्जेक्टिव रखे थे काम उनके मुताबिक हुआ, और उसके बाद हमने जो आउटकम अपने तय किए थे कि इसके बाद मतलब ये होगा ये रिजल्ट उसके निकलेंगे, तो क्या इस प्रोजेक्ट ने जो 2 साल 1.5 साल 3 साल चला है वो अपने उसने अपने टारगेट को मीट किया और उसके आउटकम वही आए हैं जो उस वक्त आए हुए थे, तो ये सारी चीजें जो है ना वो देखी जाती हैं। अच्छा जी, अब होता है ना उसके जी हाँ और बिल्कुल वो रजिस्टर नहीं भर भर के रख रहे होते और साइन सारे मेंबर से कराए जा रहे होते हैं, वो पूरा डाटा तो रेडी हो जाता है। अच्छा, वो जो बातें अभी हम कर रहे थे ना, अब ये उसकी अहमियत, अब यह है पब्लिक फाइनेंस कमीशन जो है, अच्छा जी पब्लिक फाइनेंस कमीशन की अहमियत, ये फाइनेंस कमीशन की अहमियत क्या है, ये पैसे आए हमारे पास, ठीक है ना, तो अभी हम देखे ना क्षितिज सी बात है, हमारी जेब में थोड़े से पैसे आ जाएंगे ना जरूरत से ज्यादा, हम अपनी जरूरियात को खर्च करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे हम अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है ना, अपनी मतलब बेहतरी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ना कैसे भी कर ले, ठीक है जी। अगर कोई कहता जी मेरे पास पैसे काफी आ रहे, चलो जी मैं कोई और नहीं तो मैं अपनी तालीम में जहाँ स्टॉप की थी मैं वहां से अपना स्टैंड ले लूं, कोई कहेगा जी मेरा घर अच्छा नहीं है तो चलो जी मैं इसको रेनोवेट कर दूं, ये बात है ना, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो चलो मैं अपने स्टाइल के मुताबिक अपनी गाड़ी ले, तो एक बेहतरीन हम अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट तो लेके आते हैं। अच्छा बच्चे ये भी थोड़ा सा ना जूम कीजिएगा। अच्छा जी, अब रिसोर्स की इसकी जो है ना फाइनेंस कमीशन की अहमियत, वही बातें जो हमने की थी कि मकसद इस ग्रांट का ये होता है कि मकामी हुकूमत क्या होती है उसको किस सपोर्ट करने के लिए होती है कि वो क्या करेगी, इनके खर्च करके हम बचत भी करेंगे। नहीं देखिए ना, आपके पास पैसे आ गए, ज्यादा पैसे आ गए तो फिर आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अगला सोचते हैं, अगला सोचते हैं ना कि अपने आप को मजीद मजबूत इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी बेहतरी लाने के लिए, तो ये ग्रांट जब आती है तो ये किसके लिए दी जाती है, अभी हमने डिस्कस किया है कि जो हमारे प्रोजेक्ट मुकामी हुकूमतों को बस उनकी जिसको कहते हैं ना इंडिपेंडेंट मालियाती तौर पे वो इंडिपेंडेंट हो, मालियाती तौर पे उनको स्ट्रेंथन किया जाए, किसी पे इंहसार ना जाए,
देखे ना हमारे पास वो पैसे जब आ जाएंगे तो हम अपने पास ज्यादा पैसे हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे कुछ हम बहुत से बड़े डिसीजन लेते हैं ना कि मैं अपनी गाड़ी ले लूं, मैं अपना घर रेनोवेट करवा लूं, या नया घर ले लूं, छोटे घर में रह रही हूं, या कुछ और चीज अपनी इंप्रूवमेंट करते हैं ना, इंडिपेंडेंट हम डिसीजन लेते हैं। इसी तरह मुकामी हुकूमत अपने तरक्याती कामों के लिए वो इंडिपेंडेंट अपने फैसले करेगा, उसके डिसीजन मेकिंग हो इंडिपेंडेंट हो। अच्छा जी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वही बात है कि जी लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर, उसको एम्पावर किया जाता है रिसोर्सेज के जरिए उसकी। अच्छा तो ताकि उसका जो बाकी सूबाई गवर्नमेंट जो है उस पर इन्हिसार जो है वो कम से कम। अब देखें जो पहले जब हम मुलाजमत हम नहीं कमाते थे, हम डिपेंडेंट किस पे होते हैं, अपने घर वालों पे। जब हम कमाना शुरू कर देते हैं हमारे पास क्या होता है, पैसे आना शुरू हो जाते हैं, हमारी इनकम आनी शुरू हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम उनपे अपना इन्हिसार कम कर देते हैं। ये बात है ना। तो इसी तरह मुकामी हुकूमत को खुद मुख्तार करने के लिए, उसको एम्पावर करने के लिए ये ग्रांट जो है ये पीएफसी की शक्ल में मुकामी हुकूमत को दी जाती है, ताकि वो अपने मालियाती फैसले, पैसा जो आ गया अपने समझ लें, अपने जहां जहां उसे पैसों की जरूरत है, जहां उसने पैसे लगाने हैं, वो फैसले खुद करे, ठीक है। और उसका जो इन्हिसार है, बार बार जी मेरे पास, मैंने सड़क बनवानी है तो मुझे पंजाब हुकूमत पैसे देगी तो बनाऊंगी, मैंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वहां से लगवाया तो मैं पंजाब हुकूमत से पैसे लेंगे तो हम लगाएंगे, ये हीले बहाने जो है ना सारे खत्म हो जाए मुकामी हुकूमत के, ठीक हो गया। और मुकामी हुकूमत खुद मुख्तार हो जाए, उसके पास इतने वसाइल हो जाए कि अपने वसाइल की एलोकेशन वो करते हैं खुद करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, से वो अपने फंड एलोकेट करें कि कहाँ उसने पैसे लगाने हैं, ठीक है, सड़क बनवा रही है, म्यूनिसिपल सर्विसेज पे लगाने हैं, पार्क जो है इम्प्रूव करवाने हैं, जो भी उसने फैसले लेने हैं वो करे हुकूमत की तरफ, पंजाब हुकूमत की तरफ ना देखे। लेकिन इसके बावजूद चूंकि फंड उधर से ही आ रहे होंगे तो निगरानी उनकी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, अब बात है जी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट, वही जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अच्छा अब क्या है जी, ये क्या है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट प्लान में क्या होती है ये, अब आप बताएं मुझे, हम सुबह से इसको लेके लेके चल रहे हैं जी। हो गया जैसे वो आपने बताया ना तो इंटीग्रेटिव वाला, पहला तो ये है, और दूसरी पार्ट ये है कि आप निगरानी अवामी होगी तो काम सही होगा, हर तरह से ये पार्टिसिपेंट हो अवाम की कोई प्लान बनाने से पहले अपनी कम्युनिटी से पूछे कि उनको चाहिए क्या, और उसको प्रायोरिटी पे रखें जो उनको चाहिए उस डेवलपमेंट। जी अब इसलिए बच्चे जी आप बोलने जो मसला हमारा ज्यादा है जो हम जिसे हाईलाइट कर सकते हैं उसको हाईलाइट करें और उसी के मुताबिक काम करें। मुकामी शहरियों की बात है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन किसकी होगी, जब आवाम की शिरकत होगी तो फिर क्या होगी, फिर असल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं ना, फिर वो जो डेवलपमेंट आवाम की वो जो डोर स्टेप वाली बात है ना, तहरीर पर आवाम के मसाइल का हल होगी, तहरीर से कम होंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी आप आते हैं, हाँ जी थोड़ा सा रिजवाना रिजवाना रिपीट कीजिएगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, अभी आपने बताना है जी। इसमें हम ये है कि हम प्रायोरिटी पे रखें अपनी कम्युनिटी को और उनसे पूछें कि उनको क्या चाहिए उस प्रोजेक्ट का, और फिर उस प्रोजेक्ट को हम शुरू करें और उसमें पार्टिसिपेशन उनकी भी रखें, चाहे वो किसी भी मद में हो, आया वो उसको टेक केयर कर सकें या उसको चेक एंड बैलेंस के तौर पे कर सकें, कोई चीज भी हो जिसमें उनको ये फील हो कि वो खुद भी इसका पार्ट है, वो ऑन कर सकें। एग्जैक्टली, जब हम अपने तरक्याती मनसूबे बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले अवाम को लेंगे, अवाम बताएगी वो जो हमने बातें की थी कि जी पानी का मसला, स्ट्रीट लाइट का मसला, क्राइम बढ़ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, पार्क उजड़ गए हैं, बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं है सपोज। अच्छा फिर उसके बाद हम तरजीहात का तय करेंगे कि जी सबसे पहले हमने
किन मसाइल को लेना है उनके लिए हमें एक तरह क्या थी मनसूबा तैयार करना है, ठीक हो गया। अच्छा फिर उसके बाद हम मनसूबा, हाँ तो जो मनसूबे बनाने हैं उसमें शमूलियत किसकी होनी है, जो फैसला साजी का जो अमल है वो भी हमने उसमें भी किसको शामिल करना है। अच्छा जी फिर उसके बाद ये जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या होती है, कम्युनिटी की बुनियाद पर जो तंजीमें होती हैं ये माजी में भी थी, माजी आपसे शबीना आप जरा मैडम सैरिश की जगह पे चली जाए, मैडम सैरिश आप शबीना की जगह पे आ जाए। आप सख्त हो गई हैं, थोड़ा सा मैंने रिफ्रेश करने लगी अच्छा अब इनको सीसी भी जो है ना, अब इसमें आपने परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ये कम्युनिटी की बुनियाद, उर्दू में इनको कहते हैं ना सादा, कम्युनिटी की बुनियाद पे जो तंजीमें बनती है, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड तंजीम। अच्छा और ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, अब इसमें इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये वो तंजीमें आप गवर्नमेंट असल में विचार होते हैं, इनका मकसद क्या होता है, मकसद यही वही है जो मुकामी हुकूमत काम करती है। इसका इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जिला हॉस्पिटल के ऑपोजिट रहती हूँ, हमारे जिला हॉस्पिटल में एक ब्लॉक इन्होंने बनाया है जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप का है, उसमें एक लंगर खाना भी इन्होंने खोला है और उसके अलावा उसमें किडनी सेंटर जो है उसकी एक्सटेंशन की है, तो ये सारे वो है जो फ्रेंड्स ऑफ जिना कहलाते हैं, मनसूबे ये लोकल काउंसिल में जमा कराते हैं जी जी, फिर उनकी अप्रूवल होती है बकायदा तौर पर, ठीक है, वो जो लोकल बोर्ड जो बैठता है ना वो उसकी इसको रिव्यू करता है, एयरपोर्ट है वो भी सीसीबी से बना था अपने पैसे डालते हैं, ठीक है, और 80% जो होता है वो हुकूमत गवर्नमेंट जो है ना मुकामी हुकूमत अपना हिस्सा डालेगी और मिलके जो भी उन्होंने डेवलपमेंट प्लान स्कीम या प्रोजेक्ट जो उन्होंने तय किया वो पाया तक मिलता है। अब इसका भी रोल वही है, अब हम जो सीसीबीज है वो भी वही काम करेंगी, ठीक है, लेकिन ये होता है कि उनका हिस्सा उसमें आ जाता है और वो टोटली कंट्रोल्ड बाय कम्युनिटी, वो कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो सारा काम उन्होंने करवाना होता है, गलियां भी छोटे शहर था वो बन नहीं रहा था, वहां के जो इतने लोग बहुत स्ट्रॉन्ग वही जब बहुत ज्यादा ताजे तबका है तो उनको लाहौर आने में या इस्लामाबाद जाने में बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता था क्योंकि उनका एक्सपोर्ट का काम ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट होता है, फिर उन्होंने वहां पे एयरपोर्ट बना के उनको वो इजी हो गया, उन्होंने वो पैसे जो लाहौर की तरफ आने के लिए इस्लामाबाद जाने के लिए देने वो उन्होंने उधर लगा लिए, इधर उसमें अपने सियालकोट को जो इम्प्रूव हुआ है ना उसमें सियालकोट चैम्बर का बड़ा रोल है, लेकिन चैम्बर की तरफ एक और बात भी थी कि ये जब हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था वुमेन वर्कर्स राइट्स एट वर्क प्लेस के नाम से मुलाजम थे, अब उसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी आते थे, तो कोई प्रेस रिलीज जो थी ना कोई सियालकोट की आपको कोई खबर ऐसी नजर नहीं आएगी, माफ है अगर उनके नजर से ना गुजरी हो कि वो के वहां पर जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनका कोई मसला हाईलाइट नहीं हुआ होगा, क्योंकि पहले कहते सारी खबरें जाती हैं वो चैम्बर के मीडिया सेल में, वहां से सेंसर बोर्ड से फिर आगे जाती है, तो वो थोड़ा सा इस हवाले से भी उनका इस पे ना कंट्रोल है, जाहिर सी बात है जो स्पेंड कर रहा है इतना वो डोमिनेंट तो होगा, तो हम कहते हैं सियालकोट से इस तरह की खबरें नहीं, तो हमें फिर सियालकोट के लोगों ने बताया जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वो कहते हैं कि जो सारी खबरें जो होती है ना चैम्बर के मीडिया सेल में जाती है
तो वहां से फिर थोड़ी सी हानि जो कहीं उनके अच्छा ये हो गया ना क्लियर की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट में किस तरह से होती है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी होती है, और जो कंसल्ट मुशावरती जो इजलास हमने अवाम की पार्टिसिपेशन जो की जाती है मुशावरती इजलासों में उनसे राय ली जाती है, डिसीजन जो फैसला साजी होती है उसमें उनकी शमूलियत होती है, फैसला साजी किस हवाले से होती है, शबीना अभी वहां जाके ठीक हो गया। अच्छा जी आगे हम जी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग की तरफ। अच्छा जी ये बड़ा हम कंपोनेंट है, अब हमने कम्युनिटी पार्टी की हमने सलाह मशवरे भी कर लिए, कम्युनिटी से ले लिए, प्रोजेक्ट पे हमने इम्प्लीमेंटेशन भी जो है ना वो शुरू कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि जी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग लोकल गवर्नमेंट जो नुमाइंदगान है उनका मैंडेट है कि वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेंगे, ट्रांसपेरेंसी जो है शफाफियत उसका उसको इंश्योर करेंगे, अकाउंटेबिलिटी को इन द लोकल टैक्सेशन और लोकल फंड में, ठीक है। अब वो किस तरह से होगी, इस हमारे लॉ के मुताबिक जो है हमारा जो मुकामी हुकूमती कानून है उसके मुताबिक किस तरह से ये होगी कि पब्लिक लोगों की एक्सेस जो है वो इंफॉर्मेशन तक हो, जो हम बात करते चले आ रहे हैं ना कि ये जितने भी तरक्याती मनसूबे बनते हैं प्लान बनते हैं उस पर कितना फंड एलोकेट हुआ, कितना तहमीना लगा सड़क बनने का, पार्क के लिए कितने, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कितने पैसे मुख्तस किए गए, कितने लगे, कितने बचे, किस तरह से लगे वसाइल का सारा, तो वो इंफॉर्मेशन जो है इस तमाम मालूमात पब्लिक की एक्सेस हो। मैं चाहूँ मुझे पता करना होगा जी मेरी एक सड़क बनी है तो उसपे कितने फंड उसके लिए एलोकेट हुआ था, कितना उस पर स्पेंड हुआ, ठीक है, और किस तरह से हुआ, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन उस मुतलका डिपार्टमेंट से जाके बिना सिटीजन ले सकता हूँ। तो मुकामी हुकूमतों का ये भी किरदार है कि इस सिलसिले में वो ये ट्रांसपेरेंसी को बिल्ड अप करता है, शफाफियत के लिए को फरोग देता है। अच्छा उसके बाद दूसरा क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्डर हो लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस का, लोकल गवर्नमेंट मुकामी हुकूमत का जो मालिया जो है मालियाती सिस्टम है उसका एक ओपन ऑडिट जो है ना हो के बगैर किसी रुकावट के उसका ऑडिट हो, वो ऑडिट करवाने पे रजा मांगी है ना कि मुकामी इदारे कोशिश हो के वो जो ऑडिट है वो एक्सटर्नल बैरूनी ऑडिट हो, दूसरा आके उसका ऑडिट करे। हाँ जी फिर उसके बाद कंप्लेंट सेल मैकेनिज्म, जैसे अब कंप्लेंट सेल मैकेनिज्म हो के हमें सपोर्टर्स कर लिया कि मैं अपनी सिविल यूसी की सतह पे गई हूँ, मैं अपनी वो बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए गई हूँ, तो वहां वो मेरी किसी वजह से नहीं कर रहे, तो मतलब कंप्लेंट मैकेनिज्म सिस्टम हो मैं वहां पर अपनी शिकायत कर सकूं, या ऐसा कंप्लेंट मैकेनिज्म सिस्टम हो कि मैं बता सकूं कि मेरे एरिया में एक तरक्याती मनसूबा शुरू हुआ है और वहां पर उसमें करप्शन हो रही है, काम सही नहीं हो रहा, तो एक कंप्लेंट सेल मैकेनिज्म हो और फिर शिकायत जो है बकायदा, जिस तरह पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है हमने इसका बड़ा इस्तेमाल किया, हमने तो अपने ये इस्तेमाल हमने तो वो हवातीन के मसाइल को मुतलका दारों तक पहुंचाने के लिए किया था ना कि हवातीन लेबर डिपार्टमेंट नहीं जा सकते, तो वो घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते, फिर हमने इसी तरह के जो लोकली हमें जो मसाइल नजर आते थे उनकी एप्लीकेशन भी हम भेजते थे। अच्छा एक दफा ऐसा हुआ एक सड़क की उसमें बड़े खड्डे पड़े हुए थे, हमने तस्वीर बना के वो उस पे पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर वो सेक्रेटरी है ना उसमें हमने वो अपलोड की कंप्लेंट दर्ज की फलां एरिया फलां एक लोकेलिटी की सड़क है जिसमें खड्डे पड़े हुए हैं, तो अभी काफी अर्सा हुआ ठीक नहीं हुई है, वो एप्लीकेशन पर पूरा वो दिखाया जाता था पर जी आपकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ जा रही है, मुतलका डिपार्टमेंट तक गई, उसने एक हफ्ते के बाद हमें एक फोटो आई, हमें कहते हैं जी ये हमने जो है ना सड़क जो सॉरी अभी फोटो नहीं आई रिस्पॉन्ड आ गया, हमने जो आपकी कंप्लेंट थी वो रिड्रेसल हो गई है, कंप्लेंट आपकी हल हो गई है। अच्छा वो हमने फोन किया पता किया उस एरिया के लोगों को पूछा कि जी वो सड़क जो थी उसका मसला कहता नहीं अभी तो नहीं हुई, वो तो खड्डे वैसे के वैसे हैं, उन्होंने तस्वीर भेजी। अच्छा हमने वो तस्वीर उसी तरह मोबाइल पे अपलोड करके आगे भी जो है कहा जी ये तो अभी तक उसी तरह से है, घंटे डेढ़ बार की हमें उनकी तरफ डिपार्टमेंट की तरफ से पिक्चर आ गई,
जी ये नहीं, ये सड़क जो है ना वो मुकम्मल हो गई है, तो गए फिर दोबारा पता क्या, वो कहते हैं हाँ थोड़ी देर पहले आए थे फिर करके वो चले गए। पर ये होने की नहीं, आप देखिए देखिए कि ये जो कंप्लेंट मैकेनिज्म है ना, ये एक ऐसा है कि अगर कोई 10-12 अगर हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई है ना, तो उसमें कोई 3-4-5 ही ऐसी होती है कि फौरी फौरी हाल होती है, फिर कुछ टाइम टेकिंग होती है, लेकिन इनका बहुत पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, उन्होंने जो खवातीन जो तशद्दुद का शिकार होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है या दूसरा कोई वायलेंस है, तो वो इस पे कंप्लेन करती है, वो लीगल एड वगैरह इनको प्रोवाइड करते हैं कंप्लेंट सेल लेके, ठीक हो गया। अच्छा फिर इस तरह पब्लिक जो अच्छा जो पब्लिक है उनको पता हो कि कितना टैक्स रेट कितना चल रहा है इस वक्त, मतलब कितनी टैक्स कलेक्शन जो है ना वो हो, टैक्स की मद में कितनी आमदनी इकट्ठी हो चुकी हुई है, ठीक है। और उसके बाद है जी मैकेनिज्म, ये भी हो कि सिर्फ शिकायत सेल ही ना हो बल्कि ऐसा मैकेनिज्म भी हो कि जो पब्लिक जो शिकायत कर रहे हैं उनका हल भी हो, उनको जो मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से वो परेशान है उनको उनकी शिकायत का रिड्रेसल भी होना चाहिए, ये मैकेनिज्म भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना जो हमें मुकामी सतह पर जो काम हो रहे हैं उनकी तमाम इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। उसके बाद जो मुकामी हुकूमत है उसका ऑडिट हो, ठीक है, और इंडिपेंडेंट ऑडिट जो है ना वो होना चाहिए। उसके बाद कंप्लेंट सेल मैकेनिज्म हो, कितना टैक्स वसूल हो रहा है, ठीक है, और उसका रेट क्या चल रहा है और अब तक कितना वसूल हो चुका है, वो इंफॉर्मेशन भी पब्लिक के पास हो, और इसके साथ साथ पब्लिक के जो मसाइल हैं उनके हल का मैकेनिज्म जो है वो भी अदारों के पास होना चाहिए, मुकामी हुकूमत के पास हो और वो करें, तो इसका मतलब है कि मुकामी हुकूमत जो है वो उसमें शफाफियत है, उसमें एहतसाब का अमल भी हो रहा है और उसकी मोनिटरिंग भी हो रही है, ठीक हो गया जी। ये बात अब आपने बतानी है खवातीन की कैपेसिटी, हाँ जी, बनाना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की मुंफी जो उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, बाकी में हमारी कैपेसिटी बड़ी होती है पर एक कैपेसिटी साड़ी पेड़ नहीं होती, हाँ जी मैडम सैरिश, हाँ जी हमारी कैपेसिटी जो है ना हवा बतौर मुकामी हुकूमती नुमाइंदा किस तरह से बिल्ड की जाए कि हम बतौर एक मुकामी नुमाइंदा हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके, पहले तो शौर ही नहीं होता मुकामी नुमाइंदा हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर सके हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी हमारी कैपेसिटी डेवलपमेंट किस पे होनी चाहिए, बतौर मुकामी हुकूमती नुमाइंदा अपनी जिम्मेदारियों पे, आज देखे ना आज आप जो सेशन ले रहे हैं किस पे ले रहे हैं, किस पे ले रहे हैं, मुकामी हुकूमतों की जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या है, आपको वो पता चल रहे हैं ना क्या क्या जिम्मेदारी है, अच्छा जिम्मेदारियों का पता होगा तो आप जाके आगे परफॉर्म करेंगे ना जी फौजिया। सबसे पहली बुनियाद ये है कि हमें आगाही हो, घर बैठे क्या जरूरत है क्या पता नहीं है, उससे क्या आ जाता है, हाँ वो इसी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता लें। अच्छा जी फिर और कुछ और किस पे हमारी आगाही होनी चाहिए, जी जी रिजवाना, अच्छा जी रिजवाना आपने वो मैडम जी आगाही तो हमें हो गई जिम्मेदारी और हमारी किस पे होनी चाहिए, स्किल्स पे होनी चाहिए, जो चीजें हमें नहीं पता खुद पे काम करनी चाहिए, वो सीखने चाहिए स्किल्स सीखने चाहिए। अच्छा आज देखें आज हम कैपेसिटी हमारी किस चीज पे हो रही है, जो क्या क्या सुबह से हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हमने किस चीज को डिस्कस किया था, मुकामी हुकूमत और उससे मुतलक क्या था वो स्ट्रक्चर उनका सारा, हाँ तो क्या वो स्ट्रक्चर किस में दिया बताया गया, यूनियन पीजीएल वो जो हम कर रहे हैं वो क्या है,
2022 ही क्या है, तो अब देखिए ना सबसे, तो हमें अपनी जो मुतलका गवानी है, देखिए आप मुकामी हुकूमती नुमाइंदा है, आपको अपने मुकामी वो कानून का ही नहीं पता, तो आप अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी कर सकते हैं? आपको पता ही नहीं है क्या काम करना है, मेरी ज्यूरिडिक्शन क्या है, मेरा रोल क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहीं से तो आपकी तैनात होगी ना सारी, कानून आपको बताएगा, कानून इनकी हदबंदी करेगा, ठीक है, मुतलका कवानी, ठीक है, मुतलका कवानी, और इस किस पे होगी? अच्छा, अब उसमें मकामी हुकूमत में और क्या काम किए जाते हैं, मेन 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 ये कि कोई इवन हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हाँ, कोई चीज कर रहे हैं तो उसकी बजटिंग, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी ऑडिट करना, हर चीज बजट उसमें, स्पेशली बजट, ठीक है, बजट साजी, उसकी प्लानिंग सारा लिखा हुआ है मैनेजर के, उसने आपने प्लानिंग कैसे करनी है किसी मनसूबे की, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना, और प्लस जो प्लानिंग करनी है और उसकी बजटिंग कैसे करनी है, बजट बजट की तैनाती आपने कैसे करनी है, ठीक है, ये सारी चीजें के ऊपर आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, तो तब जाके आप इस मुकामी हुकूमत में एक नुमाइंदा के तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं ख्वातीन होने के नाते, क्योंकि हमारी असल में ना ज्यादातर ये जो चीजें हैं ना, ये वही बात है ना कि ख्वातीन चूंकि वो अपनी मर्जी से तैनात की गई होती है, ठीक है, तो वो ज्यादातर इन चीजों पे फोकस मर्दों का होता है, डेवलपमेंट प्लान वो हमारे मर्द हजरात चेयरमैन साहब वो कहते हैं बहुत समझदार है, वो बना रहे होते हैं, ठीक है, जो और वो खवातीन को इसलिए शामिल नहीं करते जिनके तो कोई सूझ बूझ नहीं, इनको क्या पता कि कहाँ पे क्या होना है, और फिर जब वो बेहतर पार्टिसिपेशन कर सकती है जब उन चीजों का पता होगा, से वो जैसे टाउन हॉल में बात करती थी तो कहते हैं आपने कोई पैसे खर्च करके आए हो आप लोग, तो इलेक्टेड वो हम लोगों ने बनाया इसलिए आप लोग ने बीच में अगर वो थोड़ी सी ब्लैक मेलिंग और वो प्रेस करने की कोशिश करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे के उन्होंने तनाजात का हल इस तरह से निकालना, फिर जेंडर मेनस्ट्रीमिंग, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग उनको पता हो कि अच्छा अब ये जेंडर क्या होती है, जेंडर को थोड़ा सा डिफाइन करें, व्हाट इज जेंडर, हमारा जो भी ये तो हमारी पहचान है ना, ये जेंडर बताते हैं कि मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट, और बाकी जींस के बारे में, जींस भी सेम है, एक सोसाइटी डिटरमिन करती है कि जेंडर क्या है, अगर मेल जेंडर है उनको पता है शुरू से ही कि मर्दों का माशरा है, तो सोसाइटी इसको डिटरमिन कर रही है औरतों के लिए कि भाई ये मेल हैं और ये सुपीरियर हैं, और ये इसी तरह हर जगह पे आ जाता है, ठीक है, अब देखें जींस जो है ना, सेक्स जो हमारा है, जींस है ये हमारी एक बायोलॉजिकल जिस तरह रिजवाना ने कहा, मैं थोड़ा इसको इलेबोरेट कर दूं कि ये हमारा मुआशरा तय करता है कि कौन से काम खवातीन ने करने हैं और कौन से मर्दों ने करने हैं, ठीक है, खवातीन ने घर चलाना है और मर्दों ने जाकर बाहर कमाना है, बट वही बात कि मेल सुपीरियर है और खातून, हमारी सोसाइटी ज्यादा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, तो इसलिए खवातीन को पीछे रखा जाता है कि जी ये बंदों के काम है, आपका क्या काम, अच्छा परफॉर्मेंस, जो भी वो अपनी उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाई हुई है उसके ऊपर वो कार्य होते हैं, लेकिन अच्छा अब कुछ जगहों पे ये इस तरह से है, थोड़ा सा किसी और शहर में जाएंगे, अब डेवलपमेंट शहर जो शहर उन्होंने थोड़ी सी तरक्की की है, मतलब वहां पे ये फर्क बहुत कम है, ठीक हो गया, बेशक मसाइल तो है लेकिन फर्क कम है बनिस्बत उस शहर के जो तरक्की में बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि वहां ये फर्क ज्यादा है, और आपको मैं बताऊं वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक 156 मुल्कों का सर्वे हुआ था ये जेंडर की बुनियाद पे, तो पाकिस्तान भी शामिल है, और पाकिस्तान का नंबर उसमें पता कितने नंबर पे, 152 नंबर पे,
चार कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत ईरान, अच्छा सारे इस्लामी मुल्क है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ पे जेंडर कंसर्न जो मसाइल है वो बहुत ज्यादा, उसमें मजहब को भी ले आते हैं ना, चले वो मुख्य चीजें है ना। हाँ जी, अच्छा फिर दूसरी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग खवातीन की किस पे होनी चाहिए, लीडरशिप पे एंड एडवोकेसी। आपने अच्छा देखें, हम खवातीन का सबसे बड़ा मसला है ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखें जिन खवातीन का, वो पंजाबी में कहते हैं वो चाका खुल जाना, उस दौर में वजीर आजम बनी जब बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, उस बीबी को भी कितने मसाइल का सामना करना पड़ा था, कभी उसकी कोई छेड़े पाड़े हैं, कभी क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, बड़े मसाइल आए। लेकिन देखो उस वक्त वो हुक्मरानी कर रही थी। हम खवातीन का सबसे बड़ा मसला कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट अप करें, कॉन्फिडेंस आपका होगा फिर उस पर लीडरशिप है कि आप, आपने लीड करना है। आप बहसीते काउंसलर जब आ रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने अपनी कम्युनिटी को डिलीवर करना है। उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप जिस हुकूमत का आप हिस्सा बने हैं वो हुकूमत का आप वो कानून का पता हो, ठीक है, आपने डिलीवर किस तरह से करना है, आपको अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता हो, ठीक है। और उसके साथ साथ अच्छा अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सारी चीजें आ जाती है जी, आपने प्लानिंग कैसे, मनसूबों की मनसूबाबंदी कैसे होती है स्कीमों की, उनके लिए बजट कैसे एलोकेट किया जाता है, ठीक है, कम्युनिटी से जो मसाइल है वो किस तरह से लिए जाते हैं, कम्युनिटी के साथ किस तरह इंटरेक्शन में रहा जाता है, कोई मसाइल आ जाते हैं, कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, उनको आपने हल किस तरह से करना है। तो ये तमाम चीजों पे आपकी बोरियत, ये सारी चीजें आपको आती होंगे तो आप एक अच्छे तरीके से बहसीते वुमेन लीडर मुकामी हुकूमत की नुमाइंदा परफॉर्म कर पाएंगी, अदरवाइज नहीं। और इन चीजों पे कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है और इन्हीं कामों के लिए आपको यहाँ लाहौर में इकट्ठा किया गया। यहाँ तक जी कोई क्वेश्चन? हाँ जी कोई सवाल? वैसे ये सारा कॉन्फिडेंस आप लोग नहीं देते हो ज्यादातर? मैंने तो जितना सीखा ना मैंने एनजीओ से, हमें इतना भी नहीं पता था जब हमने स्टार्ट लिया था, बिल्कुल। तो ऐसे ही आप लोग अवेयरनेस देते थे तो हम जाके आगे कन्वे करते थे, साइल होते थे, फेस भी करते थे। हाँ जी अच्छा ये अब हमारा खत्म हुआ।